टू फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग। हमारे स्टार पार्टनर्स हैं लोमैन पेज 3 और हमारे हेल्थ फूड पार्टनर्स हैं French.US। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग देखकर आप हम तक अपना कोई भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं बिटवीन 4:30 PM टू 6 PM सैटरडे एंड संडे। बेस्ट ट्वीट ऑफ दिस वीक फीचर होंगे अगले हफ्ते के एपिसोड में। #FruityBCL करना ना भूले। हो सकता है आप जीत ले जाएं फ्रूटी बीसीएल के स्पेशल मर्चेंडाइज। अपने मर्चेंडाइज पहनी और शान से चलिए। आज का मैच कुछ खास है क्योंकि सारे क्वालिफाइंग मैचेस तो खत्म हो चुके हैं। अब जो है सेमीफाइनल की बारी है मेरे दोस्त जी। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम्स है चंडीगढ़ कप्स, चेन्नई स्वैगर्स, जयपुर राज जोशीले और दिल्ली ड्रैगन्स। जोरदार तालियां चारों टीमों के लिए। और आज है पहला सेमीफाइनल जहां आमने सामने है टेलीविजन के सबसे हॉट एंड हैपनिंग डिमांडेड बॉयज शब्बीर आलूवालिया की चेन्नई स्वैगर्स वर्सेस करण पटेल की चंडीगढ़ कप्स। आज सेमीफाइनल्स के पहले मुकाबले में आमने सामने होगी चेन्नई स्वैगर्स एंड चंडीगढ़ कप्स, जहां चेन्नई स्वैगर को इस सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम माना जा रहा था, लेकिन ये इस सीजन में एक मैच हार चुके हैं। यही दूसरी तरफ है चंडीगढ़ कब्स, जिन्हें शुरू से ही अंडरडॉग टीम माना जा रहा है, लेकिन ये अभी तक एक मैच भी नहीं हारे हैं। तो देखना ये है कि सेमीफाइनल्स के इस मुकाबले में चेन्नई का स्वैग रहता है बरकरार या फिर चंडीगढ़ कब्स पहुंच जाएगी फाइनल्स में। तो सबसे पहले बुलाते हैंडसम पॉपुलर लेडीज के फेवरेट शब्बीर आलूवालिया की टीम चेन्नई स्वैगर्स को। और अब बुलाते हैं वो सेल धुआंधार लड़कियों की टीम, मेरी प्यारी अदिति की टीम चंडीगढ़ कब्स को। चौका मारेगा तो छक्का खाएगा, बॉल को बेटे तू ढूंढ ना पाएगा, मुंडे चंडीगढ़ दे जित के रहेंगे। दोनों टीमों ने डगआउट्स पे अपनी एंट्री मार ली। जानते हैं श्रद्धा से कि कौन सी टीम आज फाइनल की तरफ अपना आखिरी कदम बढ़ाने वाली है। ये मैच में जो हमारी लेडीज है उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है दैट यू विल सी देम प्ले मच बेटर देन द मेन। चेन्नई स्वैगर्स इज रूल्ड बाय नंबर 6 वीनस। वीनस तो आज चेन्नई पर 100% छा जाएगा। It is going to give them strength and positivity, and we will see Chennai winning today's match and entering the finals. तो अब दोनों टीमों के कैप्टन्स को बुला ले। जी, बुलाते हैं बरखा को और हिमांशु को। बरखा, सबसे पहले यार तुम एक लौती विमेन कैप्टन हो जो बहुत अच्छा खेल रही है और जिसके इसमें पूरी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है। जी। तो आज क्या लगता है, आज जीत हो जाएगी? आज हम बहुत खुश हैं कि हम चेन्नई के साथ खेल रहे हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इस टूर्नामेंट की। सो वी होप चेन्नई गिव्स अस अ गुड फाइट बिकॉज़ वी आर गोइंग टू टेक देम डाउन। यार ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम है, कौन जीतेगा। जाहिर सी बात है, अगर ये पहले से पता लग जाएगा तो फिर लोग मैच को देखेंगे। आई थिंक जो ज्यादा अच्छा खेला है वो खेलेगा, वो डेफिनेटली क्रिकेट जीत जाएगा। वी कॉल द कुंफू पांडा, तीनों चारों मिलकर चले कुंफू पांडा। बुलाते हमारे हैंडसम अंपायर को। चलिए सर, सर बता दो पहले क्या है। जय वीरू आपका। जय वीरू। जय, दिस इज जय धर्मेंद्र, दिस इज वीरू। जय जय आ गया है जय। अब क्या मांगोगे? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, बॉलिंग करेंगे। सीरियसली बॉलिंग? चेन्नई स्वैगर्स पहले बॉलिंग करेंगे और चंडीगढ़ कब्स बैटिंग। लेट द गेम
begin. सेमीफाइनल मैच है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ हम कोशिश करेंगे उनको 100 तक आउट करने के लिए सो दैट वी डोंट हैव प्रेशर ऑन योर बैटिंग सेकंड. आज का मैच बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज या तो आगे बढ़ेंगे या पीछे हट जाएंगे, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे. तो आई थिंक एवरीवन इज़ गोना गिव द बेस्ट. हमारे बैट्समैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमने सोचा कि एक बड़ा टोटल खड़ा करके उनको इस सेमीफाइनल से बाहर किया जाए. और अब पहले ओपनिंग बैट्समैन आ रहे हैं आलोक एंड शांति. चेन्नई, ऋत्विक तुमको क्या लग रहा है चेन्नई जीतेगी आज? ऑफ कोर्स जीतेगी, इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ. बता आज देखो कुछ भी हो जाए चंडीगढ़ ही जीतने वाला है. अच्छा और आपकी दीदी क्या कहती है कौन जीतेगा? चंडीगढ़. अच्छा सब लोग चंडीगढ़, ठीक है ओके. जय माता दी. चलो देखते हैं इस डू और डाई मैच में कौन मारता है बाजी. और अब शोभित आ रहे हैं इस इनिंग का अपना पहला ओवर डालने. रोको मैच की पहली बॉल, शोभित की पहली बॉल. सपोर्ट यही करना चाहिए, खाती पीती टीम है इसी को सपोर्ट करो क्योंकि जीतेगी तो और खिलाएगी पिलाएगी. और मयंक पूरी तरह से भागते हुए स्टेडियम की ओर बाहर निकलने वाले थे लेकिन कुछ हो ना सका. डू और डाई वाला सिचुएशन है यहाँ पे आज. टुडे वी थॉट हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बॉलिंग करें बट ठीक है, वी आर प्लेइंग आवर स्ट्रेंथ राइट नाउ. आज के मैच में आई वुड से अगर हमने 160 कर लिया आई थिंक देन वी विल गिव देम अ टफ चेस. अगर ऐसे ही खेलेगी तो 100 का टारगेट भी सेट नहीं कर पाएगी चंडीगढ़ टीम. क्रिकेट विकेट सब ठीक है, असली स्वैग गॉगल में. हाँ जी असली स्वैग गॉगल में, अच्छे दिखने चाहिए, क्रिकेट तो चलता रहेगा जी. ये बताओ. हाँ बताओ. आज सनी लियोन ही आई नहीं है यार, बड़ा दुख है यार इस बार. लेकिन तुम आयो. हाँ तो तुम्हें सेक्स अपील की कमी नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने इस बार दूसरा पासा खेला. ये बड़ी अच्छी बात कही आपने. बिल्कुल कमी नहीं रहनी. ऐसे करके क्यों बोल रहे? नहीं यार बट आई थिंक बड़ा मिस कर रहे हूँ सनी को. हाँ सनी को तो सभी मिस करते हैं. और ये आज के मैच का पहला छक्का. और पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 10 रन्स. बॉलिंग पर आ गए हैं रफी. अब देखना ये है कि क्या ये विकेट लेकर चंडीगढ़ पर प्रेशर बना पाएंगे. शब्बीर मैच कौन जीतने वाला है आज? ये क्या था, चंडीगढ़ को सपोर्ट करने वाला इशारा तो नहीं था ये? शब्बीर भाई मोना एक्टिंग खेलते हो या ये ज्यादा फ्लर्ट करती इसलिए घबरा जाते हो? शब्बीर का कॉन्फिडेंस तो यही कह रहा है कि चेन्नई जीतेगी. और ये शांतनु को बॉल नजर ही नहीं आ रही रफी की. रफी की बॉलिंग आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है. उनकी कुछ गर्लफ्रेंड भी उनकी स्ट्रेटजी पकड़ नहीं पाती. वो सोचती है वो यहाँ जाएंगे और वहां से निकल जाते हैं. वेरी ट्विस्टेड मैन. नाउ आज चंडीगढ़ का फुल पार्टी के मूड में है. खाने पीने का सामान आ रहा है, प्रोटीन बार आ रही है, छक्के चौके लग रहे हैं और चेन्नई स्वैगर्स डगआउट में देखी कितनी शांति है. इनके बस का कुछ नहीं है. वैसे करण पटेल है का? कहाँ है करण पटेल? लेग बाय टू रन. ये मुझे समझ नहीं आ रहा शांतिनु को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है. वो बैट बैट कैच कर रहा है. मैं पूरे डांस पोजेस दिखा दूंगा मुझे जितने आते हैं. टू ओवर्स के बाद चंडीगढ़ कप्स का टोटल स्कोर 23 रन्स किसी भी विकेट के नुकसान पर नहीं.
और अब शहीर आ गए हैं बॉलिंग पर। अब देखते हैं चंडीगढ़ क्या इस ओवर में कुछ स्कोर कर पाएगा। बरखा, हमारी चंडी 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 का स्टार प्लेयर क्यों नहीं आया? आ रहा है, आ रहा है। कब आएगा? स्टार एंट्री मारेगा। मैं कह रही हूँ कहीं मैच हार ना जाए, लक फैक्टर है वो हमारा। ओह नो नो, डोंट वरी, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग फॉर यू। बबल ऋत्विक, आप और शालीन बहुत अच्छे फैंस हो ना? शायद हाँ। शायद कंफर्म नहीं है? है वो यहाँ आसपास है तो हाँ। क्या वो शालीन की तरह मतलब बॉलिंग ट्रेनिंग मिली उनको? नहीं नहीं, अच्छी करेगा, आप रुकिए जरा। चौबे मैच जीतोगे क्या? यहाँ तो चौके छक्के पड़े जा रहे, विकेट जा नहीं रहे। हमें तो लगा था चेन्नई और दिल्ली के बीच में फाइनल होगा, क्या हो रहा है शोभित? अरे अभी हो तो जाने दो यार, मैं चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ, आई वांट चेन्नई टू विन यार। शोभित बोलो ना एक बार, चंडी 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 चंडी, ओए 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 ओए, ये चंडी देखो क्या तुम्हारा सपोर्टर नया। आलोक, हवा में बैट घुमाने से स्कोर नहीं बनेगा। और ये कमाल बॉलिंग। और तीन ओवर के बाद स्कोर हुआ है 34 रन्स बिना किसी नुकसान के। और अब एरिका आ रही हैं बॉलिंग करने। बॉलिंग करते हुए पहले चार ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है। और एरिका की इस बॉल पर एक रन मिल गया है चंडीगढ़ को। अनीता, आज यहाँ पे आपने शांतनु को भेजा है, ठीक है? यूडी जो सेंचुरी मार चुके थे उनको नहीं भेजा। हम चेंज करते रहते हैं, एक्सपर्ट सबको मौका देते हैं क्योंकि सारे प्लेयर्स इतने अच्छे हैं। मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, द वे इट्स गोइंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक इट लुक्स पॉजिटिव, हम ही जीतेंगे। करण पटेल कहाँ है? एक्चुअली वो थोड़ा ही इज लिटिल अनवेल, लेकिन सेकंड इनिंग तक वो आ जाएंगे। ये हमेशा करण पटेल लेट आते, क्या चक्कर क्या है? आ जाएगा। हाँ। तो गोविंदा हो जाते हैं, आते हैं परफॉर्मेंस देते चले जाते हैं। करेक्ट है। आपको प्रोटीन बार चाहिए? हाँ खिला दो, ऐसा कुछ नहीं, तुमने तो खरीद ही लिया है मुझको। देखा, एक एक इंटरव्यू पे एक प्रोटीन बार मिल रहा है, आज लगता सारी प्रोटीन बार मैं ही खाऊंगा, क्योंकि ये तो बैठे हुए कुछ खाने। भैया तुमको घर पे खाना वाना मिलता है कि नहीं? तुम इनकी टॉफियां खा खा के खुश होते हो? अंगूर खट्टे हैं, सुबह नींबू पानी भी मिल रहा है। गरीब आदमी है, खाने पीने की प्रॉब्लम चल रही है, आई अंडरस्टैंड, मेरा भी टिफिन खाया उसने। कुछ देर में मुझे सैंडविचेस भी आएंगे। इट्स ओके, दे आर काइंड पीपल, दे विल लूज। बट क्या लगता है कितने रन में समेट देंगे आप? ऐसा कुछ टारगेट है? 120 से ज्यादा नहीं मर जाने चाहिए। हाँ,
और इसी के साथ आलोक की हाफ सेंचुरी पूरी। एरिका, ये क्या तरीका है, कितने छक्के पड़वाओगी आज? अगर ये चेन्नई स्वैगर हार गए ना, बहुत मारेंगे ये। मेरा तो यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा, ऑडियंस में बैठ के कमेंट्री करनी पड़ेगी। एरिका तुम मेरी कसम है, मुझे बचा लो। I like your tarika. Beautiful performance. बचा लिया तुमने मुझे आज। ये तो आज बहुत मारते मुझे ये सारे के सारे। 81 for 1, चार overs complete हो चुके हैं। और अब चंडीगढ़ के स्टार प्लेयर यूडी आ रहे हैं, न्यू बैट्समैन। ओवर 5 या 6, बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है। चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। चैलेंज ओवर, बॉलर नेम शहीर, 12 टारगेट। बॉलिंग करने के लिए आए हैं शहीर। यूडी बैटिंग पे है विच शांतनु। देखते हैं कौन करेगा ये चैलेंज ओवर अपने नाम। बॉलर बैट बॉल, बैट बॉल, बैट बॉल, बैट बॉल, शाबाश शाबाश शाबाश, विजन बॉलिंग, बैट बैट बॉल, शाबाश। चैलेंज ओवर की है दूसरी बॉल, व्हाइट बॉल। चैलेंज ओवर की दूसरी बॉल, व्हाइट बॉल। यूडी का बल्ला घुमा इस बॉल पर लेकिन रन नहीं मिला। ब्रिलियंट फील्डिंग और इसके साथ एक रन मिलता है चंडीगढ़ कब्स को इस वक्त। ऋत्विक, दिस चैलेंज ओवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज ओवर। तुमको क्या चांसेस लग रहे हैं चेन्नई के? जीत जाएंगे भैया। शहीर की व्हाइट बॉल पे भरोसा है पूरा? तो फिर वो तो आसानी से रन बनवा देगा ना। ओ शहीर, अभी भी जीतने के लिए 10 रन चाहिए और सिर्फ 3 बॉल बचे हैं। मुझे सुमित दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। अच्छा शिवानी कौन है आज बताई दो। On that note, हम सब जानना चाहते हैं शिवानी कौन है, राइट? जीतने के लिए 10 रन चाहिए और सिर्फ 3 बॉल बचे हैं। बॉलिंग, 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 बॉलिंग। 2 बॉल 10 रन और इस झुमरू से ना बनने के 2 बॉल में 10 रन, और अगर बना दिए तो मेरा झुमरू बना देंगे चेन्नई वाले। अनबिलीवेबल चीज हो रही है चैलेंज ओवर में। शाहिर शेख ने पूरा पलड़ा पलट के रख दिया है। अनीता, वेयर इज करण यार? फॉर यू, ही इज कमिंग। हाँ, पर अनीता इतने लेट ना आए कि आप लोगों के लिए देर हो जाए। नहीं नहीं, आ जाएगा।
बैटिंग करते हुए चार पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है। और अब आ गई हैं अदिति नेक्स्ट बैट्समैन। इसको हल्के मत लेना, ये ऑडी ऑडी चंडीगढ़ कप्स की, ये लास्ट टाइम से 6 छक्के मारे थे। और चेन्नई वालों को पहले बोल दूं, अरे चेन्नई भले ही तुम्हारी बॉलिंग अच्छी हो, भले ही तुमने भी आउट कर दिया हमारे शंतनु को, लेकिन अभी हमारी ऑडी बाकी है। बट शहीर की बॉलिंग से तो ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी बैट्समैन आए चैलेंज ओवर तो चेन्नई ही जीतेगा। और ये चैलेंज ओवर की लास्ट बॉल कंप्लीट, जिसके बाद चेन्नई जीत गया है। सो दिस इज द मैंगो बैंगो मोमेंट। और 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 81 रन्स फॉर 2 विकेट्स। और अब अभिषेक आ चुके हैं अपने ओवर के लिए। अब यूडी हैं जो चंडीगढ़ का स्कोर बढ़ा सकते हैं। यार आप इतने स्पोर्टी आदमी हो। हाँ जी हाँ जी। Why are you not playing? मैंने पिछला मैच खेला था। Everybody needs to play ना? हाँ। है ना? तो इसलिए तो हमारी जो टीम आज है वो प्लेइंग 11 सेट है, इसीलिए वो लोग खेल रहे हैं। बट नेक्स्ट ईयर आप खेलेंगे। नेक्स्ट ईयर अगला मैच भी बाकी है सर, क्या बात कर रहे हैं। हां नहीं वो तो है ही, तो ऑब्वियसली आप जीत ही जाओगे। ए क्या बात, माशाल्लाह। बट नेक्स्ट ईयर आप चेन्नई से ही खेलोगे या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। कोई और टीम में जाने का मन नहीं यार? अभी देखिए यार, ये तो गेम है। हर टीम यहाँ पर, जितनी भी टीम है यहाँ पर भी हमारे दोस्त है, यहाँ पर भी हमारे दोस्त है, बाकी टीमों पर भी हमारे दोस्त है। ये नहीं पता कि टीम क्या है, बट ये जरूर पता है कि BCL खेलेंगे। ऑलराइट, आपके साथ फिर मिलेंगे हम। डन 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 ब्रो। इस बार मैंने अपना चश्मा छुपा के रखा, फिर ले जाता हूँ। चंडीगढ़ की शेरनी अदिति आउट हो गई, मतलब मानना पड़ेगा शानदार फील्डिंग करी है चेन्नई ने, क्योंकि अदिति यानी कि शेरनी है चंडीगढ़ की, उसको आउट करने के लिए पूरी जान लगा दी लोगों। चेन्नई की टीम ने कुछ कमाल नहीं किया, शब्बीर की हाइट ने कमाल किया, सीधे बॉल उनके हाथ पे दी, भाड़ एंड शब्बीर ने स्माइल दी। डू यू रियलाइज? ओह, अब मेरे को लग रहा है मैं चेन्नई की टीम को सपोर्ट कर सकती हूं। संग्राम आ गए हैं नेक्स्ट बैट्समैन। देखो अब ये चंडीगढ़ का स्कोर बढ़ा पाएंगे। ओवर, 6 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 103 रन बना लिए हैं, 3 विकेट खो चुके हैं अभी तक। शोभित आ गए हैं बॉलिंग करने, देखते हैं क्या ये यूडी का विकेट ले पाएंगे। एरिका फुल मूड में है आज। यार मेरे को तो टेंशन हो रही है, इनका बैटिंग लाइन ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि केपी नहीं है, करण पटेल स्टार है, जब नींद से जागेंगे तब सवेरा हो। इस मैच तक तो आ जाओ, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी।
नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, करण पटेल करण पटेल जल्दी आजा। मुझे सुमित दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। हाय, कोई लॉयल्टी शिफ्ट कर ले क्या? मैं तो हर घंटे करता हूँ लॉयल्टी शिफ्ट। जहाँ सुंदर लड़की देखी वहाँ। यस। पूछो ये शिवानी कौन है? अच्छा शिवानी कौन है आज बताई दो। On that note, हम सब जानना चाहते हैं शिवानी कौन है, राइट? उर्मिला मातूंडकर यार, गाना आया तो था। कौन? पूरे फिल्म में नहीं देखा? शिवानी। हाँ, उर्मिला, उर्मिला। करण पटेल नहीं आया अभी तक? करण पटेल बिजी है, आ रहे हैं। मेरे पास गाना है उनके लिए। कौन सा? नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, कम बेबी कम 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 कम। अगर आप चुप नहीं हुए तो वो आएंगे नहीं। प्लीज जस्ट शट इट। संग्राम को तो शोभित की बॉल ही नहीं दिख रही है, कहां रन स्कोर कर पाएंगे। सिक्स एंड ओवर। सात ओवर के बाद चंडीगढ़ कप्स के 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब रफी आ गए हैं नेक्स्ट बॉलर। ब्रिलियंट फील्डिंग बाय शब्बीर आलूवालिया। शब्बीर आज अजीब टाइप की फील्डिंग कर रहे हैं, मतलब खड़े खड़े कर लूंगा मैं, हिलूंगा नहीं। क्या रोका यार, क्या रोका शब्बीर ने, मानना पड़ेगा। सर ये इसको कहते हैं स्टार पावर। यस, देखा आप भले चले जाओ चंडीगढ़ की टीम में, लेकिन ये होता है स्टार, झुकता भी नहीं हो, पांव से कर ली फील्डिंग। स्टार पावर नहीं, लेग पावर है वो। चल 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 चल। और ये चेन्नई ने अपने सुपर बॉलिंग से फुल प्रेशर बना रखा है चंडीगढ़ पर। दो दो दो। ओहो, रफी मलिक ने ये कैच छोड़ दिया। ओवर। यूडी का कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है चेन्नई को। ये कैच ऑलमोस्ट उनके हाथ में आया, सबकी धड़कनें चेन्नई में रुक गई हैं। और 8 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 116 3 विकेट्स के नुकसान पर। और अब अभिषेक आ गए हैं नेक्स्ट बॉलर, देखते हैं कि अब ये क्या कमाल दिखाते हैं अपनी बॉलिंग से। एक और छक्का। और एरिका की अच्छी फील्डिंग की वजह से ये चौका नहीं लग पाया। ये लड़की कमाल कर रही वैसे। निकल 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 निकल। और इसी के साथ साथ कैच ले लिया है शहीर ने, लेकिन अंपायर ने अभी थर्ड अंपायर की तरफ जाने का बोल दिया है। इतना इनडिसाइसिव अंपायर है, कभी कोई ढंग का फैसला नहीं ले पाता। एकदम मतलब सस्ते वाले अंपायर लेकर आए हैं। सॉरी टू से, हैंडसम है लेकिन इनडिसाइसिव है। जान लड़ाई है यार वो शहीद ने, ऐसा ही मतलब ऑलमोस्ट शहीद हो गया वो आज कैच पकड़ते पकड़ते। घुटने उठने कूनी उनी सब छिलवा ली उसने लड़के ने। और अब वसीम आ गए हैं नेक्स्ट बैट्समैन, देखते हैं ये चंडीगढ़ का कितना स्कोर बढ़ा पाएंगे। चल 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 चल। और ये कुछ ना हो पाया। वो आजा आजा। वेरी गुड फील्डिंग बाय शहीद।
और इसी के साथ स्कोर हुआ है 125 रन्स 4 विकेट्स के नुकसान पर। 7 से 10 ओवर के बीच में भी एक लड़की का ओवर होना अनिवार्य है। चेन्नई स्वैगर की टीम से मानसी आ रही है बोल करने के लिए। बरखा 125 रन्स हो गए, 9 ओवर कंप्लीट हो गए, आखिरी ओवर में कितने रन ले लेंगे, कितना मतलब टारगेट दे पाएंगे आज हम? 36 इस ओवर में आएंगे। 36 का क्या आंकड़ा है जो आपका चेन्नई के साथ है? 36 का आंकड़ा। आखिर वो मोमेंट आ ही गया जिसका मुझे सवेरे से इंतजार था। बॉलिंग डालने आई है मानसी, 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 एको होता है हर बार नाम लेता हूँ। बाउंड्री। किसी के साथ यूडी बधाई हो, आप सेंचुरी हो गई है यूडी की। यूडी ने अभी आजा। नसीम मुश्ताक ने एक और रन लेने की कोशिश करी। रफी की बात सच हो जाती अगर थोड़ा और आगे होकर कैच ले लेती। अच्छा ये बताओ, शब्बीर अलूवालिया के बारे में क्या है? मतलब तुम्हारी टीम के लोग कह रहे हैं बड़ा कूलेस्ट गाय है। वी लव शब्बीर। आई थिंक उनकी पूरी टीम में से हमें सिर्फ शब्बीर पसंद है बिकॉज़ ही इज अ कूलेस्ट गाय। आप उसे देख लो, मतलब उसे बोला कौन झुके मैं पैर से ही रोक लेता हूँ, रोकी लेकिन बॉल उसने। सो यू नो इट्स आई वी एक्चुअली जेन्युइनली ऑल ऑफ अस वी ओनली लव शब्बीर नॉट एनीवन एल्स। कोई नहीं और शब्बीर कूल है। ये वो टीम है जिसमें करण पटेल है, उसके बारे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तेरी टीम तुझे भूल रही है करण पटेल, अब तो आ जा। चंडीगढ़ कब्स और चेन्नई स्वैगर्स के बीच सेमीफाइनल्स में चेन्नई की टीम से ये आखिरी बॉल। इस छक्के के बाद ये इनिंग्स खत्म होती है और चंडीगढ़ कब्स ने टोटल बनाए 154 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर और 155 का टारगेट है फॉर द चेन्नई स्वैगर्स। ये कह रहे हैं चड्डी 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 करेक्ट गीली 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 ये कह रहे हैं। उनका क्लास ही ऐसा है, ऐसा ही कहेंगे। यूडी बहुत अच्छे बॉलर हैं, जितना ये चड्डी 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 गीली गीली कर रहे थे ना, अभी चेंडगुली की मेंडगुली होगा इनका। रुको अभी। फैसले की घड़ी आ चुकी है। सेकंड इनिंग्स में कौन मारेगा बाजी और पहुंचेगा फाइनल्स में, चेन्नई या चंडीगढ़? अच्छा खेलेंगे, रुक के खेलेंगे। जो अच्छा बॉलर है उसे आराम से खेलेंगे और जो बुरा बॉलर है उसे उसे फाड़ देंगे।
ओपनिंग बैट्समैन इस इनिंग के लिए आ चुके हैं मयंक गांधी एंड कुणाल पंत। आज ये मैच जीतने के लिए चेन्नई स्वैगर्स को 10 ओवर में बनाने हैं 155 रन्स, यानी हर ओवर में 15 से 16 रन निकालने ही होंगे इन्हें। सचिन करने वाले हैं इस इनिंग की पहली बॉल। डू और डाई सिचुएशन है। यप। क्या लग रहा है, यू विल बी एबल टू स्टॉप देम? या या, टोटली। उनके पास इतने बैट्समैन नहीं है, उनके बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है, तो अभी आप कभी भी देखोगे तो उन लोग हमेशा जीत के बॉलिंग लेते हैं। सो ऐसे कैसे यार, 155 में कैसे हरा दोगे यार, अच्छे खासे बैट्समैन है। वो दाढ़ी वाले भाई देखे, बहुत मारते हैं। कम ऑन सचिन, चल सचिन, शाबाश बॉय। कैच दे। पहली बॉल पर कितना एक्टिवली खेल रहा है चंडीगढ़ कब, ये होता है जोश। वेरी गुड, शाबाश। मयंक गांधी आ चुके हैं स्ट्राइक पर। दूसरी बॉल पर भी इतनी टाइट फील्डिंग की सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है आज ये जो स्कोर का 155, ये अचीवेबल है? अगर 10 ओवर खेलेंगे तो हो जाएगा। मैं बड़ी उम्मीदें कर रहा था कि आप ओपनिंग करेंगे आज। जो नंबर पर हिमांशु भेजेंगे वो नंबर पर जाकर खेलूंगा। तो आज की शाम जो है आप सेमीफाइनल से फाइनल में जा रहे हैं। देखो अभी अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं खेलेंगे तो फिर हार जाएंगे। दोनों ही मस्त टीम है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर चौके छक्के नहीं पड़ रहे तो सिंगल लेते रहो, ये नहीं कि हर बॉल पे छक्का मारने चले गए आउट हो गए। और ऐसे ही खेल खेल के वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेलेंगे सैन फ्रांसिस्को में, जहां मैं कमेंट्री करूंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट प्रीतम, क्योंकि उसका पासपोर्ट वगैरह उसको पता नहीं है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट तीन अलग चीजें होती हैं, बट आई विल बी देयर फॉर श्योर। छक्का लगा, सिक्स। पहले ओवर के बाद स्कोर है 9 रन्स बिना किसी विकेट के। स्कोर टोटल जो है, आपको लगता है कि इतना सही है, ये चेजेबल है, या आपको थोड़ा कम में रिस्ट्रिक्ट? वी वर प्लानिंग टू रिस्ट्रिक्ट देम बिलो 120, थोड़ा ऊपर गया है, मगर पिछले मैचेस हमने 5 ओवर्स में जीते, ये 6-7 में जीत जाएंगे, 8 में जीत जाएंगे। सेकेंड ओवर के लिए आए हैं शांतनु और फेस करेंगे मयंक। अदिति इतनी जोर से फील्डिंग करते हुए भागी, बेचारी गिर गई। ये सच में शेरनी है लड़की। अभी तक हो गए हैं 1.2 ओवर्स में, 155 बनाना है अगर ये नॉकआउट करना चाहते हैं चंडीगढ़ को। वेटिंग, अपने आप देगा, टू रन, अपने आप देगा। ब्यूटीफुली गिवन टू रन्स बाय शांतनु। शांतनु, जस्ट बी कूल, यू डिड इट। बरखा, सुदीप्ता आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या हुआ? आप करन तो आए नहीं, तो शब्बीर को ही देख लूं मैं जरा फील्ड पर। शब्बीर वन डाउन नहीं आ रहा है। अरे तो वन डाउन कर दो ना, इनको आउट कर दो ना अभी। करते करते, कम ऑन शांतनु। बाउंड्री एंड ओवर। चंडीगढ़ कब्ज के चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि सबको कब्ज हो चुका है। दूसरे ओवर में ऑलरेडी 34 रन बन चुके हैं।
देखो शुरुआत में ऐसे ही लगता है, बाद में जो है चेन्नई स्वैगर्स का स्वैग खत्म हो जाएगा और चेन्नई के लिए निकल लेंगे यार। 1.3 करके आया, 2 ओवर 34 रन, अभी विकेट जाएंगी धड़ तीन चार। अरे प्रीतम भाई आप जाओ यार, गंदी बातें कर। थैंक्स, अच्छा लगा आपसे मिलके। चेन्नई 2 ओवर के बाद पहुंच गया है 34 रन पर बिना कोई विकेट खोए। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीम जीतेगी? हाँ हाँ जीतेगी ना। कितने रनों में इनको समाप्त कर दोगे? देखते हैं अभी, वो भी टीम अच्छी खेल रही है। अच्छी कहाँ खेल रही है भाई, ऐसा बोलना नहीं, अच्छी खेल रही है। ठीक है ठीक है। कोई संदेश देना चाहते हो, कोई मैसेज? किस बात में? अबे चेन्नई को कोई मैसेज देना चाहते हो किस बारे में? क्या अभी हर रही है टीम, अभी क्या बोलूं, अभी सेमीफाइनल में तो जीत नहीं पाएगी अभी टीम। पक्का? हर जाएगी। हाँ पक्का पक्का। बरखा आ गई है चंडीगढ़ कप से बॉलिंग करने के लिए। यहाँ पर बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में 1 ओवर लड़की को करना जरूरी है। ओहो ये कुछ को, इसको कुछ नहीं हुआ क्या? मयंक गांधी की ऐसी बैटिंग को देख के मुझे लग रहा तुम सही बोल रही थी कि शब्बीर को ले आना था। यार मुझे लग रहा है कि शब्बीर ही कोई रन स्कोर कर सकता है अगर चेन्नई की टीम को आज जीतना है, और मैं कह रही हूँ वो कोने में बैठे रहते टिक्के, जवाब भी नहीं देते। बहुत ही टाइट फील्डिंग चंडीगढ़ कप की। चल चल प्रेशर में है, वो प्रेशर में। कौन मयंक? कैच बाउंड्री। अगर चेन्नई ऐसे ही धमाकेदार शॉट्स मारता रहा तो चंडीगढ़ के हाथों से ये मैच जाना लगभग पक्का है। तीन ओवर्स के बाद चेन्नई ने बना लिए हैं 57 रन्स और एक भी विकेट नहीं गया। वाह शब्बीर कब आओगे खेलने? आज खेलोगे कि नहीं खेलोगे? पता नहीं, देखो शायद मौका मिलेगा आज। वो तो 100% मिलेगा, मतलब पिछला मैच आपकी वजह से जीती है टीम। बाकी टीम तो पिकनिक पर आई थी ना। आपको क्या लगता है चेन्नई जाएगा या चंडीगढ़ फाइनल? जो अच्छा खेलेगा वो जाएगा फाइनल्स में। मतलब जो भी है डिसाइडेड है नहीं, आप खेलने आ जाओ बस उतना जरूरी है। आऊंगा मैं आऊंगा। और अब शांतनु आए हैं बॉलिंग के लिए। इधर चेन्नई धीरे धीरे ये मैच पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहा है। चंडीगढ़ को यहाँ रन रोकने के साथ चाहिए विकेट्स। क्या शांतनु ये कर पाएंगे? चल धीरे से अनिता ने हाथ लगाया और ऐसे आगे बढ़ा दिया। बहुत प्यार से अनिता ने फील्डिंग करी। जान लगा के एक रन लिया है इस वक्त। सिक्स चल। बहुत स्ट्रेस में है चंडीगढ़ की टीम। क्या लग रहा है आज, जैसा सोचा है जैसा प्लान किया है वैसा हो रहा है? एक्चुअली जब चेन्नई हम खेल रहे थे
तब हम चार ओवर में 81 थे तो ये लोग 73 हैं. सो नॉट बैड, वी आर द सेम पेज. अभी हमारे बॉलर्स आने बाकी हैं. असली बॉलर अभी बाकी है. यूडी भाई साहब आए नहीं? यूडी भाई साहब आए नहीं भैया. ऐसे अदाएं दिखाई दिखा के मैच नहीं हरा सकती तुम्हारी. चार ओवर के बाद स्कोर हुआ है 73 रन्स बिना कोई विकेट खोए. ओवर पांच या छह, बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है. चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है. अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर. यहाँ चेन्नई ने लिया है चैलेंज ओवर. क्या इस बार भी ये चैलेंज जीतेगा और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा? चैलेंज ओवर, बॉलर नेम वसीम, 12 रन टारगेट. बरका, चैलेंज ओवर कंप्लीट हो पाएगा चेन्नई का? उन्होंने एक टफ बॉलर को लिया है, दे वांट टू चैलेंज अस लाइक अप देयर. तो मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इन लोगों ने. वी आर विनिंग. अरे शॉट यार, बाउंड्री. और ये पहले ही बॉल पे चौका. व्हाइट बॉल. चैलेंज ओवर की दूसरी बॉल व्हाइट बॉल. पांच रन टेक्निकली बना चुके हैं चेन्नई स्वैगर्स अपने चैलेंज ओवर को जीतने के लिए. सात रन बस. अपने अपील की अंपायर से. शांतनु भी जा रहे हैं लेकिन अंपायर अभी भी रुके हुए हैं, कुछ नहीं हुआ. देखो रिप्ले देखना चाहते हैं अंपायर साहब. देखो अपील देख रहे हो कितनी तेज करी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है यार आज का. फ्यूजी बीसीएल का सेमीफाइनल चल रहा है और साथ ही रन बनाने बाकी हैं. अगर ये लोग चैलेंज ओवर जीत गए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है इन दिस नॉकआउट मैच. सिर्फ एक रन चाहिए चैलेंज ओवर पूरा करने को. चैलेंज ओवर हो जाएगा, ये 24 हो जाएंगे इनके. मतलब ये तो जीत रही है. टेंशन लग रहा है मेरे को. क्या बात कर रहे हो, क्या ये विकेट है? अंपायर ने तो अभी तक बोला है नहीं, लेकिन चैलेंज ओवर जीत गई है फ्रूटी बीसीएल के सेमीफाइनल्स का चेन्नई स्वैगर. So this is the mango bango moment. Taste the mango. Ah. Juice the mango. Taste the mango. Juice the mango. Taste the mango. Juice the mango. Do it the mango bango. जीत लिया है फ्रूटी बीसीएल के सेमीफाइनल में. बाय गॉड अब हो रहा है मैच टेंशन वाला, क्योंकि चंडीगढ़ की पूरी टीम की तुम शक्ल देख रहे हो कैसे उतरी, स्पेशली बरखा. उतरनी भी चाहिए क्योंकि चेन्नई ने अभी अभी अपना स्कोर डबल कर लिया. ये चैलेंज ओवर जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है. पांच ओवर्स के बाद चेन्नई जा पहुंचा है 97 रन्स पर और सारे विकेट्स हाथ में. अनीता प्लीज कम हियर. ये कह रहे हैं चड्डी चड्डी चड्डी. करेक्ट. गीली गीली गीली. ये कह रहे हैं. उनका क्लास ही ऐसा है, ऐसा ही कहेंगे. फाइव ओवर्स डाउन, हम लोग 101 पे थे. हाँ. ये लोग 97 पे हैं. सो वी आर पॉजिटिव. अभी यूडी के दो ओवर बाकी हैं. सो आई एम श्योर वील. यूडी का ओवर आ गया. जी हाँ, फाइनली आ गए हैं स्ट्राइक बॉलर यूडी. पूरी टीम इनसे उम्मीद करेगी एक दो विकेट के लिए. देखना ये है कि यूडी कुछ कर पाएंगे. अब मैं पैर से भी खेल लूंगा चेन्नई की टीम का, यही हो गया है मेरे को लग रहा है.
अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है इनका और रन भी अच्छे खासे बन गए, तो ऐसा लग रहा है मैच थोड़ा थोड़ा हाथ से निकल रहा है। अभी बहुत डाइसी है एक्चुअली, दो ओवर में पता लग जाएगा कि मैच किस तरफ है, लेकिन ये ओवर और इसका अगला ओवर बहुत बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल। वेट 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 वेट। बढ़िया आलोक की फील्डिंग। आलोक की सिर्फ टी-शर्ट पे आलोक लिखा ना, आलोक की बढ़िया फील्डिंग के मेरे को पूरा विश्वास है कि उड़ी की बॉल पर एक विकेट तो जाएगी जाएगी कंफर्म। बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन बाय उदय तिवारी। 5.3 ओवर्स हो चुके हैं, एक भी विकेट अभी तक नहीं गिरा। आजा आजा। और यहां पर वसीम खड़े हुए और बढ़िया फील्डिंग। यूडी बहुत अच्छे बॉलर हैं। अब देखो कैसे बैंड बचता है, इनसे ना हो पाएगा। अब जितना ये चड्डी 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 गीली गीली कर रहे थे ना, अभी चैंडगुली की मैंडगुली होगा इनका। रुको अभी आजा आजा। अदिति की बढ़िया फील्डिंग। चंडीगढ़ कप्स की एक बात बतानी पड़ेगी, लड़कियां बड़ी कमाल की है यार। फ्रेड कुछ खाया? हाँ हाँ खाया ना। क्या? काफी रन खाए। ये उड़ी की बॉल पर जरा उम्मीद है कि कुछ एक आधी विकेट जाएगी। हाँ, विकेट टेकिंग बॉलर तो है, बट अभी तो फ्री हिट है, तो लास्ट बॉल पे फ्री हिट कोई फर्क नहीं पड़ता, रन आउट अगर लोग करना चाहे तो। कुछ खा लेना भाई, ठीक है? आप हमेशा बोलते हो कि कुछ खिला दो, ए कुछ स्नैक्स लाके दो रे उसको लड़के को। कंप्लीट हो गए, 6 ओवर के बाद 29 एक्स्ट्रा रन्स के साथ टोटल हुआ है 104 रन्स बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी बॉल पर चाहिए 6 रन। पूरा प्रेशर मयंक के ऊपर, क्या आखिरी बॉल पर मयंक 6 मार के ये मैच जिता पाएंगे चेन्नई को? मैच के इस मोड पर क्या चेन्नई अपने पावर हिटर को मिस कर रहा है? ऐसा लगता है कि अगर शब्बीर यहां होते तो चंडीगढ़ को ऐसे कमबैक का मौका मिलता ही नहीं। सुनी चली जाओ ना उधर। चड्डी 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 गिली 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 चड्डी 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 गिली 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 चड्डी 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 गिली 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 ये कह रही है, ये क्या मतलब है इसका? ये खेल नहीं पा रहा, बराबर बॉल नहीं डाल पा रहे, आप चौके छक्के मार रहे इसलिए इनकी पैंट गिली गिली गिली। ऐसा आई गेस ऐसा ही कुछ होगा। टीम जो है अच्छी रखती है अंदर से। पहला BCL है मेरा और इतना प्यार मिला है अपने टीममेट से कि और कहीं जाऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा हाँ, देखिए मुलाकात हुई क्या आपकी पोस्टर गर्ल से? ऑफ कोर्स हुई, हमेशा आती है, हमारी टीम को सपोर्ट करती है। मेहनत तरह की व्यक्तिगत किस तरह है उनका व्यक्तिगत? मैं तो हमेशा ऐसी सवाल पूछ लेता हूँ जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। क्या गलत पूछा मैंने? आज का ये मैच मुझे भी प्रेशर दे रहा है। आज का ये मैच अगर चंडीगढ़ हार गया तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। ये ओवर में कम से कम 2 विकेट आएंगी। ये जो च्युइंगम चबा रहा है ना, मार इसके बोल्ट सीधा। 7th ओवर के लिए सचिन की पहली बॉल। और अनीता ने अपने क्लासिक फील्डिंग स्टाइल में बॉल रोकी और स्ट्रगल करते हुए बॉल के साथ। अबे यार अनीता को जरा फील्डिंग सिखाया कोई, मतलब छई छपे छई छपा के छई कैसे, मतलब फील्डिंग ऐसा कोई फील्डिंग करता है क्या? Oh!
वाइड बॉल। और हमें एक बार फिर से देखने को मिली अनीता की फील्डिंग। अनीता गिर भी गई पर जी जान से फील्डिंग करती रही। और इसी के साथ कुणाल के 50 रन कंप्लीट। और इसी के साथ ओपनिंग बैट्समैन ने अपने 50 रन बना लिए हैं। लगभग पूरा टोटल कंप्लीट करने के नज़दीक आ चुकी है टीम और एक भी विकेट चंडीगढ़ वालों को नहीं मिला है। अरे यूडी ने आउट कर लिया है कुणाल को। बहुत देर के बाद मुझे चंडीगढ़ का कुछ म्यूजिक सुनाई दिया, थोड़ी खुशी की लहर क्योंकि कुणाल पंत अब चले गए हैं। अगला बैट्समैन कौन आएगा? शब्बीर तो नहीं है क्योंकि वो अभी भी टिक्के कोने में बैठे हुए हैं। चेन्नई से अगले बैट्समैन हिमांशु आ गए हैं, द कैप्टन हिमसेल्फ। क्या हिमांशु का शब्बीर को डगआउट में बैठाकर खुद वन डाउन आना एक समझदार डिसीजन होगा? अगर ये गलत फैसला हुआ तो चेन्नई के हाथों से ये मैच भी फिसल सकता है। कम 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 कौन घूमेगा? ओ वाह, कैप्टन अपनी टीम को जिताने के क्या क्या नहीं कर लेता। देखो पूरी लोग अस्तीने ऊपर करते हैं, पतलून ऊपर कर ली। पतलून ऊपर कर ली, वो उनकी उनकी स्ट्रेटजी है। कि अगर मैं बैट से नहीं मार सकूं तो लेग से मार, लात से मार दूंगा। और वो बहुत उनके सुंदर टांगे हैं, उनकी सुंदर टांगे, सुंदर टांगे हैं। तुम्हें बड़ी पसंद है? नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं पता नहीं था तुम इन चीजों में भी इंटरेस्टेड हो। हार्ट पे बात नहीं कर रही तुमसे। अब सुंदर टांगे किसको पसंद नहीं है? लड़कों की सुंदर टांगे पसंद है तुमको। चेन्नई स्वैगर्स 7 ओवर के बाद 116 रन पर खेलते हुए एक विकेट के नुकसान पर। प्रेशर मैच का बढ़ता जा रहा है, जो टीम हारेगी वो घर जाएगी। 18 बॉल पर 39 रन चाहिए, यानी हर ओवर में 13 रन। अब यूडी आए हैं बॉलिंग पर, उनका ये ओवर डिसाइड कर सकता है कि ये मैच किस तरफ करवट पलटेगा। यूडी जो इनका बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है, उस पे सारा प्रेशर है। कड़क बॉलिंग यूडी की, लेकिन विकेट हालांकि नहीं मिला है। दोनों ही डकआउट्स इस वक्त काफी टेंशन में दिख रहे हैं। भले ही रन रेट चेन्नई का ज्यादा अच्छा हो इस वक्त, लेकिन ये मैच जीतने के बाद ही फाइनल्स में पहुंचने का मौका। पूरी चेन्नई की डकआउट खड़ी हो गई ऑलमोस्ट। चंडीगढ़ के भी सारे शक्लों पे टेंशन दिख रही, क्योंकि अब ज्यादा बड़ा स्कोर डिफेंड करने को कोई बाकी बचा नहीं है। कम 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 कम। एक रन मिलता है चेन्नई को। इसी के साथ साथ मयंक गांधी अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। कम कम बैट बैट बैट। इस 17 पे हैं लोग, वन विकेट डाउन। इट्स सीरियस बॉस, ये मैच कहीं भी जा सकता है। लास्ट बॉल यूडी के इस ओवर की। चंडीगढ़ का डगआउट कह रहा है विकेट आएगा। क्या शानदार ओवर में यूडी एक और विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को? व्हाट एन ओवर यार, व्हाट एन ओवर। यहीं अगर शब्बीर जैसे पिच हिटर होते तो इस ओवर के बाद स्कोर 118 से कहीं अच्छा होता। फॉर श्योर भाई, दो ओवर बाकी हैं और 36 रन चाहिए, क्या लग रहा है? 36 रन एक ओवर में बनते हैं। लड़की का एक ओवर बाकी है, अभी अदिति डालेगी एक ओवर, और एक अभी वसी डालेगा जिसने चैलेंज ओवर 3 बॉलों में पूरा किया। एक ओवर की गेम है, दो ओवर एक ओवर छोड़ देंगे इन्हें चंडीगढ़ वालों को।
ऐश करो जाओ। ऐसा लगता है ये मैच पक्के से जाने वाला आखिरी बॉल तक। टेंशन सबके सर चढ़कर बोल रहा है भाई मैच हो तो ऐसा। और अब आए चंडीगढ़ के एक और स्ट्राइक बॉलर वसीम, मतलब आखिरी ओवर लड़की का होगा। देखते हैं चंडीगढ़ टीम का ये डिसीजन पास होगा या फिर फेल। वसीम की पहली ही बॉल मयंक ऑलमोस्ट आउट होते होते रह गए। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। चार चल मयंक छक्का चाहिए। और यूडी ने फील्डिंग करके चौका रखा। ये विकेट नहीं हो पाया मयंक गांधी का। 10 बॉल बचे हैं, जीतने के लिए अभी भी 36 रन चाहिए। और ये सीलिंग से लग के बॉल नीचे आ गई। इसको किस्मत का फैसला कहते हैं, जो मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों चेन्नई की टीम के पास नहीं है। आपके दिमाग में कंफर्म है कि मैच चेन्नई जीत रही है? सी अभी तो जो चल रहा है मैं अभी भी फिंगर्स क्रॉस रखूंगी और पॉजिटिव सोच के चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट बी पॉजिटिव, हम ही जीतेंगे। 12 बॉलों में 36 रन चाहिए थे, मतलब एक निकाला है इन्होंने, 35 चाहिए अभी भी, मतलब मुश्किल है। वसीम की बॉलिंग माननी पड़ेगी, कमाल की बॉलिंग कर रहा है। सिक्स और ये एक छक्का। फाइनली चेन्नई की टीम थोड़ी संभलते हुए, यानी कि अब चेन्नई की टीम को चाहिए 30 रन्स सिर्फ 9 बॉल पर। मच नीडेड 6 जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन अगर एक और लग जाए तो स्थिति काफी कंट्रोल में आ जाएगी चेन्नई के। अभी भी बाकी है बात, फेवर इनका चल रहा है चंडीगढ़ का। आखिर सपोर्ट भी तो हम इसी टीम को कर रहे हैं, चाहते हैं हम यही टीम जीते। ये वसीम की बॉलिंग का कोई प्रेशर नहीं? नहीं। अरे भाई नाम रखने से वसीम वसीम गरम थोड़ी हो जाएगा यार। और ये एक और छक्का। अरे आखिरी ओवर में चाहिए 19 रन, 136 रन पे खेल रही है एक विकेट के नुकसान पर। ऑब्वियसली लास्ट ओवर है तो इनकी जो बेस्ट लड़की है आदिति वो बॉलिंग करेगी। अब मतलब हल्के मत लेना बॉस, चेन्नई चंडीगढ़ की बंदियां हैं वो। 7 से 10 ओवर के बीच में भी एक लड़की का ओवर होना अनिवार्य है। गुड गेम ऑफ क्रिकेट, मतलब सेमीफाइनल ऐसी होता है, ऐसे होने चाहिए, ये नेल बाइटिंग। चंडीगढ़ की टीम की जीत हार का फैसला करेगी एक लड़की। अब बारी है वुमन पावर की ये साबित करने की वो भी ये क्रिकेट मैच का रुख बदल सकती हैं। दिस इज इट, दिस इज इट ब्रो। आजा 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 आजा। और आदिति की कड़क बॉलिंग के बावजूद एक रन मिलता है। मयंक को ऊपर देख के भगवान जी को याद कर ले कि अंडर प्रेशर मत करवाना भगवान जी प्लीज। 5 बॉल्स बची हैं। आदिति तुम हो शेरनी ऑफ चंडीगढ़ कप जिसने मेडन ओवर तक दिया है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है इन आखिरी 5 बॉल्स पर। आदिति यू कैन डू इट, कम ऑन। प्ले बॉल, मयंक एक छक्का। और एक भी रन नहीं बनने दिया है आदिति ने इस बॉल पर। आज तो जीत ही जाए साले को। ये होता एक्साइटिंग मैच आदिति की आखिरी 4 बॉल्स बची हुई है अगेंस्ट चेन्नई स्वैगर्स। चेन्नई स्वैगर्स में सब खड़े होकर देख रहे हैं ये। 4 बॉल 18 रन, दिस इज इट। आदिति कमाल बॉलिंग कर रही है। आई स्टिल बिलीव मयंक एक छक्का मारने वाला है।
चेन्नई स्वैगर्स की टीम से मयंक का 50 रन कंप्लीट। मुझे कभी नहीं लगा था मैं ये कहूंगा, बट आई लव यू मयंक। तीन बॉल 12 रन। चंडीगढ़ 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 चंडीगढ़। एक और छक्का। इस रोमांचक मुकाबले में पूरा स्टेडियम का माहौल टेंस हो चुका है। सारे के सारे लोग पूरी तरह से एक्साइटेड और घबराए हुए हैं। सबके मन में यही सवाल है कि क्या ये मैच आखिरी बॉल तक जाएगा या फिर ऑडियंस यूं हो गई हूँ, ना ठीक से खड़ी हो पा रही है ना बैठ पा रही है, बीच में है कहीं। आखिरी दो बॉल्स बची हुई है और 6 रन बनाने हैं। बस आदिति तुम एक डॉट बॉल डाल दो और उसके बाद तुम उनको एक रन दे दो। आदिति अच्छी बॉल डालना और छक्का खा लेना चुपचाप। इसे कहते हैं कमाल की बॉलिंग। अब आखिरी बॉल पर चाहिए 6 रन। पूरा प्रेशर मयंक के ऊपर। क्या आखिरी बॉल पर मयंक 6 मार के ये मैच जिता पाएंगे चेन्नई को और पहुंचाएंगे सीधा फाइनल्स में? आई थिंक चेन्नई की टीम को एक बार ही जोरदार हूटिंग करनी पड़ेगी फॉर मयंक। कम ऑन गो चेन्नई, मयंक मयंक। आदिति आदिति आउट कर ले, आदिति आउट कर, आउट कर, आउट कर, आउट कर, आउट कर, आउट कर। चंडीगढ़ कब्ज जीत गया है ये सेमीफाइनल और वो चाहता है अब सीधे फाइनल में। चौका मारेगा तो छक्का खाएगा, हमारे स्टार पार्टनर है लोमैन पेज 3। इसके साथ ही चंडीगढ़ है फ्रूटी बीसीएल के फाइनल में जाने वाली पहली टीम और ये है मैंगो बैंगो मोमेंट। Time for the presentation ceremony. Today, we have Mr. Manish Malhotra, General Manager, Operations Parle Argo. Chennai team representative, Mr. Gaurav Bhutani. Woo! Or Chandigarh team representative, Mr. Rohit Reddy. Woo! And our first award of the evening is the Man Go of the Match Award. Aditi. And our next award for the evening is the Woman of the Match Award. And the award goes to Aditi. And our last and final award of the evening is the Man of the Match Award. And the award goes to UD. बॉक्स क्रिकेट लीग अब आप खेल सकते हैं।
अपने मोबाइल या अपने टैबलेट पे। जी हाँ, तो डाउनलोड कीजिए बॉक्स क्रिकेट लीग गेम गूगल प्ले स्टोर से या SMS कीजिए BCL और भेज दीजिए 54646 पे। टॉप चार टीम्स ऑफ BCL विल गो टू सैन फ्रांसिस्को खेलने इंटरनेशनल BCL। BCL ऑर्गेनाइज्ड एंड मार्केटेड बाय पैरागॉन एंटरटेनमेंट। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। घर बैठे बैठे बनाइए अपनी खुद की टीम। टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स फीचर होने वाले हैं कलर्स टीवी के लीडर बोर्ड में हर हफ्ते, और टॉप 3 विनर्स को देखने मिलेगा फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग का फाइनल मैच लाइव। तो डाउनलोड कीजिए कलर टीवी ऐप और बनाइए अपनी खुद की BCL फैंटेसी लीग। और हमारे गेमिंग पार्टनर्स हैं hangama.com। इसके साथ ही फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग में खत्म होता है पहला सेमीफाइनल। कल होगा दूसरा सेमीफाइनल मैच दिल्ली ड्रैगन्स वर्सेस जयपुर राज जोशीले के बीच। तो देखना ना भूलिए फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग शाम 4:30 बजे शनिवार और रविवार सिर्फ कलर्स पर। मुझे सुमित दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। हाय, कोई लॉयल्टी शिफ्ट कर ले क्या? मैं तो हर घंटे करता हूँ लॉयल्टी शिफ्ट। जहाँ सुंदर लड़की देखी वहाँ। यस। इससे पूछो ये शिवानी कौन है। अच्छा शिवानी कौन है आज बताई दो। On that note, हम सब जानना चाहते हैं शिवानी कौन है, राइट? उर्मिला मातोंडकर यार, गाना आया तो था। कौन? पूरे फिल्म में नहीं देखा शिवानी? हाँ उर्मिला, उर्मिला। करण पटेल नहीं आया अभी तो। करण पटेल बिजी है, आ रहे हैं। मेरे पास गाना है उनके लिए। कौन सा? नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, कम बेबी कम 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 कम। अगर आप चुप नहीं हुए तो वो आएंगे नहीं। प्लीज जस्ट शट इट। संग्राम को तो शोभित की बॉल ही नहीं दिख रही है, कहां रन स्कोर कर पाएंगे। सिक्स एंड ओवर। सात ओवर के बाद चंडीगढ़ कप्स के 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब रफी आ गए हैं नेक्स्ट बॉलर। ब्रिलियंट फील्डिंग बाय शब्बीर आलूवालिया। शब्बीर आज अजीब टाइप की फील्डिंग कर रहे हैं, मतलब खड़े खड़े कर लूंगा मैं, हिलूंगा नहीं। क्या रोका यार, क्या रोका शब्बीर ने, मानना पड़ेगा। सर ये इसको कहते हैं स्टार पावर। देखा, आप भले चले जाओ चंडीगढ़ की टीम में, लेकिन ये होता है स्टार, पर झुकता भी नहीं हो, पाँव से कर ली फील्डिंग। स्टार पावर नहीं, लेग पावर है वो। चल 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 चल। और ये चेन्नई ने अपने सुपर बॉलिंग से फुल प्रेशर बना रखा है चंडीगढ़ पर। दो दो दो। ओहो, रफी मलिक ने ये कैच छोड़ दिया। ओवर। यूडी का कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है चेन्नई को। ये कैच ऑलमोस्ट उनके हाथ में आया, सबकी धड़कनें चेन्नई में रुक गई हैं। और 8 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 116 3 विकेट्स के नुकसान पर। और अब अभिषेक आ गए हैं नेक्स्ट बॉलर, देखते हैं कि अब ये क्या कमाल दिखाते हैं अपनी बॉलिंग से। एक और छक्का। और एरिका की अच्छी फील्डिंग की वजह से ये चौका नहीं लग पाया। ये लड़की कमाल कर रही वैसे। निकल 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 निकल। और इसी के साथ साथ कैच ले लिया है शहीर ने, लेकिन अंपायर ने अभी थर्ड अंपायर की तरफ जाने का बोल दिया है। इतना इनडिसाइसिव अंपायर है, कभी कोई ढंग का फैसला नहीं ले पाता।
एकदम मतलब सस्ते वाले अंपायर लेकर आए हैं, सॉरी टू से। हैंडसम है लेकिन इनडिसाइसिव है। जान लड़ाई है यार वो शहीद ने, ऐसा मतलब ऑलमोस्ट शहीद हो गया वो आज कैच पकड़ते पकड़ते। घुटने उठने कूनी उनी सब छिलवा ली उसने लड़के ने। और अब वसीम आ गए हैं नेक्स्ट बैट्समैन, देखते हैं ये चंडीगढ़ का कितना स्कोर बढ़ा पाएंगे। चल 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 चल। और ये कुछ ना हो पाया। वो आजा आजा। वेरी गुड फील्डिंग बाय शहीद। हुआ और इसी के साथ स्कोर हुआ है 125 रन्स 4 विकेट्स के नुकसान पर। 7 से 10 ओवर के बीच में भी एक लड़की का ओवर होना अनिवार्य है। चेन्नई स्वैगर की टीम से मानसी आ रही है बोल करने के लिए। बरखा 125 रन्स हो गए, 9 ओवर कंप्लीट हो गए, आखिरी ओवर में कितने रन ले लेंगे, कितना मतलब टारगेट दे पाएंगे आज आप? 36 इस ओवर में आएंगे। 36 का क्या आंकड़ा है जो आपका चेन्नई के साथ है? 36 का आंकड़ा। अच्छा, 36 का आंकड़ा। आखिर वो मोमेंट आ ही गया जिसका मुझे सवेरे से इंतजार था। बॉलिंग डालने आई है मानसी, 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 मानसी। एको होता है हर बार, नाम लेता हूँ। बाउंड्री। किसी के साथ यूडी बधाई हो, आप सेंचुरी हो गई यूडी की। यूडी ने अभी शब्बीर अलूवालिया के बारे में क्या है? मतलब तुम्हारी टीम के लोग कह रहे हैं बड़ा कूलेस्ट गाय है, वी लव शब्बीर। उनकी पूरी टीम में से हमें सिर्फ शब्बीर पसंद है बिकॉज इज द कूलेस्ट गाय। आप उसे देख लो, मतलब उसे बोला कौन झुके, मैं पैर से ही रोक लेता हूँ, रोकी लेकिन बॉल उसने। सो यू नो इट्स आई वी एक्चुअली जेन्युइनली ऑल ऑफ अस वी ओनली लव शब्बीर, नॉट एनीवन एल्स। कोई नहीं और शब्बीर कूल है। ये वो टीम है जिसमें करण पटेल है, उसके बारे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तेरी टीम तुझे भूल रही है करण पटेल, अब तो आ जा। चंडीगढ़ कब्स और चेन्नई स्वैगर्स के बीच सेमीफाइनल्स में चेन्नई की टीम से ये आखिरी बॉल। इस छक्के के बाद ये इनिंग्स खत्म होती है और चंडीगढ़ कब्स ने टोटल बनाए 154 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर, और 155 का टारगेट है फॉर द चेन्नई स्वैगर्स। ये कह रहे हैं चड्डी चड्डी चड्डी, करेक्ट, गीली गीली गीली, ये कह रहे हैं। उनका क्लास ही ऐसा है, ऐसा ही कहेंगे। यूडी बहुत अच्छे बॉलर हैं, जितना ये चड्डी 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 गीली गीली कर रहे थे ना, अभी चेंडगुली की मेंडगुली होगा इनका, रुको अभी।
फैसले की घड़ी आ चुकी है। सेकंड इनिंग्स में कौन मारेगा बाजी और पहुंचेगा फाइनल्स में, चेन्नई या चंडीगढ़? अच्छा खेलेंगे, रुक के खेलेंगे। जो अच्छा बॉलर है उसे आराम से खेलेंगे और जो बुरा बॉलर है उसे फाड़ देंगे। ओपनिंग बैट्समैन इस इनिंग के लिए आ चुके हैं मयंक गांधी एंड कुणाल पंत। आज ये मैच जीतने के लिए चेन्नई स्वैगर्स को 10 ओवर में बनाने हैं 155 रन, यानी हर ओवर में 15 से 16 रन निकालने ही होंगे इन्हें। सचिन करने वाले हैं इस इनिंग की पहली बॉल। डू और डाई सिचुएशन है। yep. क्या लग रहा है, यू विल बी एबल टू स्टॉप देम? या टोटली उनके पास इतने बैट्समैन नहीं है, उनके बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है, तो अभी आप कभी भी देखोगे तो उन लोग हमेशा जीत के बॉलिंग लेते हैं। सो ऐसे कैसे यार 155 में कैसे हरा दोगे यार, अच्छे खासे बैट्समैन है वो, दाढ़ी वाले भाई देखे बहुत मारते हैं। कम ऑन सचिन, चल सचिन शाबाश बॉय। कैच दे पहली बॉल पर कितना एक्टिवली खेल रहा है चंडीगढ़ कब, ये होता है जोश। वेरी गुड शाबाश। मयंक गांधी आ चुके हैं स्ट्राइक पर। दूसरी बॉल पर भी इतनी टाइट फील्डिंग की सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है आज ये जो स्कोर का गेम 155 ये अचीवेबल है? अगर 10 ओवर खेलेंगे तो हो जाएगा। मैं बड़ी उम्मीदें कर रहा था कि आप ओपनिंग करेंगे आज। जो नंबर पर हिमांशु भेजेंगे वो नंबर पर जाकर खेलूंगा। तो आज की शाम जो है आप सेमीफाइनल से फाइनल में जा रहे हैं। देखो अभी अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं खेलेंगे तो फिर हार जाएंगे। दोनों ही मस्त टीम है। नाइस 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 सुपर सुपर वेरी गुड शाबाश। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर चौके छक्के नहीं पड़ रहे तो सिंगल लेते रहो, ये नहीं कि हर बॉल पे छक्का मारने चले गए आउट हो गए। और ऐसे ही खेल खेल के वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेलेंगे सैन फ्रांसिस्को में, जहां मैं कमेंट्री करूंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट प्रीतम, क्योंकि उसका पासपोर्ट वगैरह उसको पता नहीं है कि राशन कार्ड आधार कार्ड और पासपोर्ट तीन अलग चीज़ें होती हैं, बट आई विल बी देयर फॉर श्योर। छक्का लगा, सिक्स। पहले ओवर के बाद स्कोर है 9 रन्स बिना किसी विकेट के। वो टोटल जो है आपको लगता है कि इतना सही है, ये चेजेबल है या आपको थोड़ा कम में रिस्ट्रिक्ट? वी वर प्लानिंग टू रिस्ट्रिक्ट देम बिलो 120, थोड़ा ऊपर गया है, मगर पिछले मैचेस हमने 5 ओवर्स में जीते, ये 6-7 में जीत जाएंगे, 8 में जीत जाएंगे। सेकेंड ओवर के लिए आए हैं शांतनु और फेस करेंगे मयंक। अदिति इतनी जोर से फील्डिंग करते हुए भागी की बेचारी गिर गई, ये सच में शेरनी है लड़की। रुको। और एरिका की इस बॉल पर एक रन मिल गया है चंडीगढ़ को। अनीता आज यहाँ पे आपने शांतनु को भेजा है, ठीक है, यूडी जो सेंचुरी मार चुके थे उनको नहीं भेजा। हम चेंज करते रहते हैं, एक्सपायर सबको मौका देते हैं क्योंकि सारे प्लेयर्स इतने अच्छे हैं। डू और डाई की सिचुएशन है जी, बिल्कुल। क्या मैच अपने फेवर में रहेगा? मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है एंड द वे इट्स गोइंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक इट लुक्स पॉजिटिव, हम ही जीतेंगे। करण पटेल कहाँ है? एक्चुअली वो थोड़ा ही इज लिटिल अनवेल, लेकिन सेकंड इनिंग तक वो आ जाएंगे। ये हमेशा करण पटेल लेट आते, क्या चक्कर क्या है? आ जाएगा। हाँ। तो गोविंदा हो जाते हैं, आते हैं फिर परफॉर्मेंस देते चले जाते हैं। करेक्ट है। आपको प्रोटीन बार चाहिए? Thank you.
हाँ खिला दो, ऐसा कुछ नहीं, तुमने तो खरीद ही लिया है मुझको। देखा, एक एक इंटरव्यू पे एक प्रोटीन बार मिल रहा है, आज लगता सारी प्रोटीन बार मैं ही खाऊंगा, क्योंकि ये तो बैठे हुए कुछ खाने। भैया तुमको घर पे खाना वाना मिलता है कि नहीं? तुम इनकी टॉफियां खा खा के खुश होते हो। अंगूर खट्टे हैं, सुमित नींबू पानी मिल रहा है। गरीब आदमी है, खाने पीने की प्रॉब्लम चल रही है, आई अंडरस्टैंड। मेरा भी टिफिन खाया उसने। कुछ देर में मुझे सैंडविचेस भी आएंगे। इट्स ओके, दे आर काइंड पीपल, दे विल लूज। बट क्या लगता है कितने रन में समेट देंगे आप? ऐसा कुछ टारगेट है? ये 120 से ज्यादा नहीं मर जाने चाहिए। हाँ एरिका, ये क्या तरीका है, कितने छक्के पड़वाओगी आज? अगर ये चेन्नई स्वैगर हार गए ना, बहुत मारेंगे ये, मेरा तो यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा, ऑडियंस में बैठ के कमेंट्री करनी पड़ेगी। एरिका तुम मेरी कसम है, मुझे बचा लो। I like your tarika. Beautiful performance. बचा लिया तुमने मुझे आज। ये तो आज बहुत मारते मुझे ये सारे के सारे। 81 for 1, चार overs complete हो चुके हैं। और आप चंडीगढ़ के स्टार प्लेयर यूडी आ रहे हैं, न्यू बैट्समैन। ओवर 5 या 6, बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है। चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। चैलेंज ओवर, बॉलर नेम शहीर, 12 टारगेट। बॉलिंग करने के लिए आए हैं शहीर, यूडी बैटिंग पे है विच शांतनु। देखते हैं कौन करेगा ये चैलेंज ओवर अपने नाम। चैलेंज ओवर की है दूसरी बॉल, वाइड बॉल। चैलेंज ओवर की दूसरी बॉल, वाइड बॉल। यूडी का बल्ला घुमा इस बॉल पर लेकिन रन नहीं मिला। ब्रिलियंट फील्डिंग और इसके साथ एक रन मिलता है चंडीगढ़ कब्स को इस वक्त। ऋत्विक, दिस चैलेंज ओवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज ओवर, तुमको क्या चांसेस लग रहे चेन्नई के? जीत जाएंगे भैया। शहीर की वाइट बॉल पे भरोसा है पूरा? तो फिर वो तो आसानी से रन बनवा देगा ना। ओ शहीर, अभी भी जीतने के लिए 10 रन चाहिए और सिर्फ 3 बॉल बचे हैं। मुझे सुमित दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। अच्छा शिवानी कौन है आज बताई दो। On that note, हम सब जानना चाहते हैं शिवानी कौन है, राइट?
जीतने के लिए 10 रन चाहिए और सिर्फ 3 बॉल बचे हैं। दो बॉल 10 रन और इस झुमरू से ना बनने के 2 बॉल में 10 रन और अगर बना दिए तो मेरा झुमरू बना देंगे चेन्नई वाले। अनबिलीवेबल चीज हो रही है। चैलेंज ओवर में शाहिर शेख ने पूरा पलड़ा पलट के रख दिया है। अनीता, वेयर इज करण यार? फॉर यू, ही इज कमिंग। हाँ, पर अनीता इतने लेट ना आए कि आप लोगों के लिए देर हो जाए। नहीं नहीं, आ जाएगा। बैटिंग करते हुए 4 पहले खिलाड़ियों में से एक लड़की का होना अति आवश्यक है। और अब आ गई है अदिति, नेक्स्ट बैट्समैन। इसको हल्के मत लेना, ये ऑडी है, ऑडी चंडीगढ़ कप्स की। ये लास्ट टाइम इसने 6 छक्के मारे थे। और चेन्नई वालों को पहले बोल दूं, अरे चेन्नई, भले ही तुम्हारी बॉलिंग अच्छी हो, भले ही तुमने भी आउट कर दिया हमारे शंतनु को, लेकिन अभी हमारी ऑडी बाकी है। बट शहीर की बॉलिंग से तो ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी बैट्समैन आए, चैलेंज ओवर तो चेन्नई ही जीतेगा। और ये चैलेंज ओवर की लास्ट बॉल कंप्लीट, जिसके बाद चेन्नई जीत गया है। सो दिस इज द मैंगो बैंगो मोमेंट। और 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 81 रन्स फॉर 2 विकेट्स। और अब अभिषेक आ चुके हैं अपने ओवर के लिए। अब यूडी हैं जो चंडीगढ़ का स्कोर बढ़ा सकते हैं। यार आप इतने स्पोर्टी आदमी हो। हाँ जी हाँ जी। Why are you not playing? मैंने पिछला मैच खेला था। Everybody needs to play ना? है ना? तो इसलिए हमारी जो टीम आज है वो प्लेइंग 11 सेट है, इसीलिए वो लोग खेल रहे हैं। बट नेक्स्ट ईयर आप खेलेंगे। नेक्स्ट ईयर अगला मैच भी बाकी है सर, क्या बात कर रहे हैं। हां नहीं, वो तो है ही। तो ऑब्वियसली आप जीत ही जाओगे। ए क्या बात, माशाल्लाह। बट नेक्स्ट ईयर आप चेन्नई से ही खेलोगे या इंशाल्लाह? इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह। और टीम में जाने का मन नहीं यार? अभी देखिए यार, ये तो गेम है। हर टीम यहाँ पर, जितनी भी टीम है यहाँ पर, भी हमारे दोस्त है, यहाँ पर भी हमारे दोस्त है, बाकी टीमों पर भी हमारे दोस्त है। ये नहीं पता कि टीम क्या है, बट ये जरूर पता है कि बीसीएल खेलेंगे। ऑलराइट, आपके साथ फिर मिलेंगे हम। डन 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 ब्रो। इस बार मैंने अपना चश्मा छुपा के रखा, ना फिर ले जाता। और ये फ्री हिट पर अदिति रन आउट हो गई। चंडीगढ़ की शेरनी अदिति आउट हो गई, मतलब मानना पड़ेगा शानदार फील्डिंग करी है चेन्नई ने, क्योंकि अदिति यानी कि शेरनी है चंडीगढ़ की, उसको आउट करने के लिए पूरी जान लगा दी। चेन्नई की टीम ने कुछ कमाल नहीं किया, शब्बीर की हाइट ने कमाल किया, सीधे बॉल उनके हाथ पे डिबॉर्ड एंड शब्बीर ने स्माइल दी। डू यू रियलाइज? अब मेरे को लग रहा है मैं चेन्नई की टीम को सपोर्ट कर सकती हूँ।
संग्राम आ गए हैं नेक्स्ट बैट्समैन. देखो अब ये चंडीगढ़ का स्कोर बढ़ा पाएंगे. छह ओवर कंप्लीट हो चुके हैं. 103 रन बना लिए हैं. 3 विकेट खो चुके हैं अभी तक. शोभित आ गए हैं बॉलिंग करने. देखते हैं क्या ये यूडी का विकेट ले पाएंगे. एरिका फुल मूड में है आज. यार मेरे को तो टेंशन हो रही है. इनका बैटिंग लाइन ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि केपी नहीं है. करण पटेल स्टार है. जब नींद से जागेंगे तब सवेरा हो. इस मैच तक तो आ जाओ क्योंकि ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी. नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा. करण पटेल, करण पटेल जल्दी आजा. पच्चीस रन अभी तक हो गए हैं 1.2 ओवर्स में. 155 बनाना है अगर ये नॉकआउट करना चाहते हैं चंडीगढ़ को. वेटिंग अपने आप देगा. टू रन अपने आप देगा. ब्यूटीफुली गिवन टू रन्स बाय शांतनु. शांतनु जस्ट बी कूल. यू डिज दैट चिल. बरखा सुदीप्ता आपसे कुछ कहना चाहती है. क्या हुआ? अब करण करण तो आया नहीं तो शब्बीर को ही देख लूं मैं जरा फील्ड पर. शब्बीर वन डाउन नहीं आ रहा है. अरे तो वन डाउन कर दो ना, इनको आउट कर दो ना अभी. करते करते कमान शांतनु. बाउंड्री एंड ओवर. चंडीगढ़ कब्ज के चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि सबको कब्ज हो चुका है. दूसरे ओवर में ऑलरेडी 34 रन बन चुके हैं. देखो शुरुआत में ऐसे ही लगता है, बाद में जो है चेन्नई स्वैगर्स का स्वैग खत्म हो जाएगा और चेन्नई के लिए निकल लेंगे. यार 1.3 करके आया, दो ओवर 34 रन. अभी विकेट जाएंगी धड़ तीन चार. अरे प्रीतम भाई आप जाओ यार, गंदी बातें कर. थैंक्स, अच्छा लगा आपसे मिलके. चेन्नई दो ओवर के बाद पहुंच गया है 34 रन्स पर बिना कोई विकेट खोए. आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीम जीतेगी? हाँ हाँ जीतेगी ना. कितने रनों में इनको समाप्त कर दोगे? देखते हैं अभी, वो भी टीम अच्छी खेल रही है. अच्छी कहाँ खेल रही है बे? ऐसा बोलना नहीं, अच्छी खेल रही है. ठीक है ठीक है. कोई संदेश देना चाहते हो, कोई मैसेज? किस बात में? अबे चेन्नई को कोई मैसेज देना चाहते हो किस बारे में? क्या अभी हर रही है टीम, अभी क्या बोलूं, अभी सेमीफाइनल में तो जीत नहीं पाएगी अभी टीम. पक्का? हर जाएगी. हाँ पक्का पक्का. बरखा आ गई है चंडीगढ़ कप से बॉलिंग करने के लिए. यहाँ पर बॉलिंग करते हुए पहले चार ओवर्स में एक ओवर लड़की को करना जरूरी है. ओहो ये कुछ नहीं हुआ. क्या महेंद्र गांधी की ऐसी बैटिंग को देख के मुझे लग रहा तुम सही बोल रही थी कि शब्बीर को ले आना था. यार मुझे लग रहा है कि शब्बीर ही कोई रन स्कोर कर सकता है अगर चेन्नई की टीम को आज जीतना है. और मैं कह रही हूँ कोने में बैठे रहते टिक्के, जवाब भी नहीं देते. बहुत ही टाइट फील्डिंग चंडीगढ़ कप की. चल चल प्रेशर में है वो, प्रेशर में. कौन मयंक? <मैं?
बाउंड्री अगर चेन्नई ऐसे ही धमाकेदार शॉट्स मारता रहा तो चंडीगढ़ के हाथों से ये मैच जाना लगभग पक्का है। तीन ओवर्स के बाद चेन्नई ने बना लिए हैं 57 रन्स और एक भी विकेट नहीं गया। वाह शब्बीर, कब आओगे खेलने? आज खेलोगे कि नहीं खेलोगे? पता नहीं, देखो शायद मौका मिलेगा आज। वो तो 100% मिलेगा, मतलब पिछला मैच आपकी वजह से जीती है टीम। बाकी टीम तो पिकनिक पर आई थी ना। आपको क्या लगता है चेन्नई जाएगा या चंडीगढ़ फाइनल? जो अच्छा खेलेगा वो जाएगा फाइनल्स में। मतलब जो भी है डिसाइडेड है नहीं, आप खेलने आ जाओ बस, उतना जरूरी है। आऊंगा मैं, आऊंगा। और अब शांतनु आए हैं बॉलिंग के लिए। इधर चेन्नई धीरे धीरे ये मैच पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहा है। चंडीगढ़ को यहाँ रन रोकने के साथ चाहिए विकेट्स। क्या शांतनु ये कर पाएंगे? चल। धीरे से अनिता ने हाथ लगाया और ऐसे आगे बढ़ा दिया। बहुत प्यार से अनिता ने फील्डिंग करी। जान लगा के एक रन लिया है इस वक्त। सिक्स चल। बहुत स्ट्रेस में है चंडीगढ़ की टीम। क्या लग रहा है आज? जैसा सोचा है, जैसा प्लान किया है, वैसा हो रहा है? एक्चुअली जब चेन्नई हम खेल रहे थे तो हम चार ओवर में 81 थे, तो ये लोग 73 हैं। सो नॉट बैड, वी आर द सेम पिच। अभी हमारे बॉलर्स आने बाकी हैं। असली बॉलर अभी बाकी है। यूडी भाई साहब आए नहीं? यूडी भाई साहब आए नहीं। भैया ऐसे अदाएं दिखाई दिखा के मैच नहीं हरा सकती तुम्हारी। चार ओवर के बाद स्कोर हुआ है 73 रन्स बिना कोई विकेट खोए। ओवर 5 या 6 बैटिंग टीम इन दोनों ओवर्स में से किसी एक ओवर को चैलेंज ओवर डिक्लेयर कर सकती है। चैलेंज ओवर में बैटिंग टीम बॉलिंग टीम के किसी एक बॉलर को चैलेंज कर सकती है। अगर चैलेंज पूरा हुआ तो बनाए गए रन हो जाएंगे दुगने, नहीं तो मिलेंगे आपको शून्य स्कोर। यहाँ चेन्नई ने लिया है चैलेंज ओवर। क्या इस बार भी ये चैलेंज जीतेगा और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा? चैलेंज ओवर, बॉलर नेम वसीम, 12 रन टारगेट। बरका, चैलेंज ओवर कंप्लीट हो पाएगा चेन्नई का? उन्होंने एक टफ बॉलर को लिया है, दे वांट टू चैलेंज अस लाइक अप देयर। तो मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इन लोगों ने। अरे शॉट यार, बाउंड्री। और ये पहले ही बॉल पे चौका। वाइड बॉल। चैलेंज ओवर की दूसरी बॉल वाइड बॉल। 5 रन टेक्निकली बना चुके हैं चेन्नई स्वैगर्स अपने चैलेंज ओवर को जीतने के लिए। 7 रन और बना। 7 रन बस। अपने अपील किया अंपायर से। शांतनु भी जा रहे हैं लेकिन अंपायर अभी भी रुके हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। रिप्ले देखना चाहते हैं अंपायर साहब। देखो
अपील देख रहे हो कितनी तेज करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है यार आज का, फूजी बीसीएल का सेमीफाइनल चल रहा है और साथ ही रन बनाने बाकी हैं। अगर ये लोग चैलेंज ओवर जीत गए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है इन दिस नॉकआउट मैच। सिर्फ एक रन चाहिए चैलेंज ओवर पूरा करने को, चैलेंज ओवर हो जाएगा, ये 24 हो जाएंगे इनके, मतलब ये तो जीत रही है। टेंशन लग रहा है मेरे को। क्या बात कर रहे हो, क्या ये विकेट है? अंपायर ने तो अभी तक बोला है नहीं, लेकिन चैलेंज ओवर जीत गई है फ्रूटी बीसीएल के सेमीफाइनल्स का चेन्नई स्वैगर। सो दिस इज द मैंगो बैंगो मोमेंट। जीत लिया है फ्रूटी बीसीएल के सेमीफाइनल में। बाय गॉड, अब हो रहा है मैच टेंशन वाला, क्योंकि चंडीगढ़ की पूरी टीम की तुम शक्ल देख रहे हो कैसे उतरी है, स्पेशली बरखा। उतरनी भी चाहिए क्योंकि चेन्नई ने अभी अभी अपना स्कोर डबल कर लिया। ये चैलेंज ओवर जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ओवर्स के बाद चेन्नई जा पहुंचा है 97 रन्स पर और सारे विकेट्स हाथ में। अनीता प्लीज कम हियर, ये कह रहे हैं चड्डी चड्डी चड्डी, गीली गीली गीली, ये कह रहे हैं। उनका क्लास ही ऐसा है, ऐसा ही कहेंगे। 5 ओवर्स डाउन, हम लोग 101 पे थे, ये लोग 97 पे हैं, सो वी आर पॉजिटिव। अभी यूडी के 2 ओवर बाकी हैं, सो आई एम श्योर वी विल। यूडी का ओवर आ गया। जी हाँ, फाइनली आ गए हैं स्ट्राइक बॉलर यूडी। पूरी टीम इनसे उम्मीद करेगी 1-2 विकेट्स के लिए। देखना ये है कि यूडी कुछ कर पाएंगे। अब मैं पैर से भी खेल लूंगा, चेन्नई की टीम का यही हो गया है मेरे को लग रहा है। अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है इनका और रन भी अच्छे खासे बन गए, तो ऐसा लग रहा है मैच थोड़ा थोड़ा हाथ से निकल रहा है। अभी बहुत डाइसी है एक्चुअली, 2 ओवर में पता लग जाएगा कि मैच किस तरफ है, लेकिन ये ओवर और इसका अगला ओवर बहुत बहुत क्रूशियल है। बढ़िया आलोक की फील्डिंग, टी-शर्ट पे आलोक लिख रहा है, आलोकी की बढ़िया फील्डिंग के। मेरे को पूरा विश्वास है कि उड़ी की बॉल पर एक विकेट तो जाएगी जाएगी, कंफर्म। बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन बाय उदय तिवारी। 5.3 ओवर्स हो चुके हैं, एक भी विकेट अभी तक नहीं गिरा। आजा आजा और यहाँ पर वसीम खड़े हुए और बढ़िया फील्डिंग। यूडी बहुत अच्छे बॉलर हैं। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग, हमारे स्टार पार्टनर्स हैं लोमैन पेज 3 और हमारे हेल्थ फूड पार्टनर्स हैं French.us। फ्रूटी बॉक्स क्रिकेट लीग देखकर आप हम तक अपना कोई भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं बिटवीन 4:30 PM टू 6 PM सैटरडे एंड संडे। बेस्ट ट्वीट ऑफ दिस वीक फीचर होंगे अगले हफ्ते के एपिसोड में। #FruityBCL करना ना भूलें, हो सकता है आप जीत ले जाएं फ्रूटी बीसीएल के स्पेशल मर्चेंडाइज। अपने मर्चेंडाइज पहनिए और शान से चलिए। आज का मैच कुछ खास है क्योंकि सारे क्वालिफाइंग मैचेस तो खत्म हो चुके हैं, अब जो है
सेमीफाइनल की बारी है मेरे दोस्त जी। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम्स हैं चंडीगढ़ कप्स, चेन्नई स्वैगर्स, जयपुर राज जोशीले और दिल्ली ड्रैगन्स। जोरदार तालियां चारों टीमों के लिए। और आज है पहला सेमीफाइनल जहां आमने सामने है टेलीविजन के सबसे हॉट एंड हैपनिंग डिमांडेड बॉयज शब्बीर अहलूवालिया की चेन्नई स्वैगर्स वर्सेस करण पटेल की चंडीगढ़ कप्स। आज सेमीफाइनल्स के पहले मुकाबले में आमने सामने होगी चेन्नई स्वैगर्स एंड चंडीगढ़ कप्स, जहां चेन्नई स्वैगर को इस सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम माना जा रहा था, लेकिन ये इस सीजन में एक मैच हार चुके हैं। यही दूसरी तरफ है चंडीगढ़ कप्स, जिन्हें शुरू से ही अंडरडॉग टीम माना जा रहा है, लेकिन ये अभी तक एक मैच भी नहीं हारे हैं। तो देखना यह है कि सेमीफाइनल्स के इस मुकाबले में चेन्नई का स्वैग रहता है बरकरार या फिर चंडीगढ़ कप्स पहुंच जाएगी फाइनल्स में। तो सबसे पहले बुलाते हैंडसम पॉपुलर लेडीज के फेवरेट शब्बीर अहलूवालिया की टीम चेन्नई स्वैगर्स को। और अब बुलाते हैं वो सेल धुआंधार लड़कियों की टीम, मेरी प्यारी अदिति की टीम चंडीगढ़ कप्स को। चौका मारेगा तो छक्का खाएगा, बॉल को बेटे तू ढूंढ ना पाएगा, मुंडे चंडीगढ़ दे जित के रहेंगे। शर्त लगा ले बेटे, शर्त लगा ले, शर्त लगा ले बेटे, शर्त लगा ले। दोनों टीमों ने डगआउट्स पे अपनी एंट्री मार ली। जानते हैं श्रद्धा से कि कौन सी टीम आज फाइनल की तरफ अपना आखिरी कदम बढ़ाने वाली है। ये मैच में जो हमारी लेडीज है उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है दैट यू विल सी देम प्ले मच बेटर देन द मेन। चेन्नई स्वैगर्स इज रूल्ड बाय नंबर 6 वीनस। वीनस तो आज चेन्नई पर 100% छा जाएगा। इट इज गोइंग टू गिव देम स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी एंड वी विल सी चेन्नई विनिंग टुडेज मैच एंड एंटरिंग द फाइनल्स। तो अब दोनों टीमों के कैप्टन्स को बुला लें। जी बुलाते हैं बरखा को और हिमांशु को। बरखा, सबसे पहले यार तुम एक लौती विमेन कैप्टन हो जो बहुत अच्छा खेल रही है और जिसके इसमें पूरी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है जी। सो आज क्या लगता है, आज जीत हो जाएगी? आज हम बहुत खुश हैं कि हम चेन्नई के साथ खेल रहे हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इस टूर्नामेंट की। सो वी होप चेन्नई गिव्स अस अ गुड फाइट बिकॉज़ वी आर गोइंग टू टेक देम डाउन। यार ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम है कौन जीतेगा। जाहिर सी बात है अगर ये पहले से पता लग जाएगा तो फिर लोग मैच को देखेंगे। आई थिंक जो ज्यादा अच्छा खेला है वो खेलेगा, वो डेफिनेटली क्रिकेट जीत जाएगा। वी कॉल द कुंफू पांडा, तीनों चारों मिलकर चले कुंफू पांडा। हमारे हैंडसम अंपायर को चलिए सर। सर बता दो पहले क्या है। जय वीरू आपका। जय दिस इज जय धर्मेंद्र दिस इज वीरू। जय जय आ गया है जय। अब क्या मांगोगे? अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, बॉलिंग करेंगे। सीरियसली बॉलिंग? चेन्नई स्वैगर्स पहले बॉलिंग करेंगे और चंडीगढ़ कप्स बैटिंग। लेट द गेम बिगिन। सेमीफाइनल मैच है तो ऑब्वियस बात है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ हम कोशिश करेंगे उनको 100 तक आउट करने के लिए, सो दैट वी डोंट हैव अ प्रेशर व्हेन वी आर बैटिंग सेकंड। आज का मैच बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज या तो आगे बढ़ेंगे या पीछे हट जाएंगे, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो आई थिंक एवरीवन इज गोना गिव द बेस्ट। वाह
हमारे बैट्समैन ज्यादा स्ट्रांग है तो हमने सोचा कि एक बड़ा टोटल खड़ा करके उनको इस सेमीफाइनल से पार किया जाए। और अब पहले ओपनिंग बैट्समैन आ रहे हैं आलोक एंड शांति। चेन्नई, ऋत्विक तुमको क्या लग रहा है चेन्नई जीतेगी आज? ऑफ कोर्स जीतेगी, इसीलिए तो मैं यहां खड़ा हूं। बता आज देखो कुछ भी हो जाए चंडीगढ़ ही जीतने वाला है। अच्छा और आपकी दीदी क्या कहती है कौन जीतेगा? चंडीगढ़। अच्छा सब लोग चंडीगढ़, ठीक है ओके, जय माता दी। चलो देखते हैं इस डू और डाई मैच में कौन मारता है बाजी। और अब शोभित आ रहे हैं इस इनिंग का अपना पहला ओवर डालने। वो भी शोभित की पहली बॉल। सपोर्ट यही करना चाहिए, खाती पीती टीम है इसी को सपोर्ट करो क्योंकि जीतेगी तो और खिलाएगी पिलाएगी। और मयंक पूरी तरह से भागते हुए स्टेडियम की ओर बाहर निकलने वाले थे लेकिन कुछ हो ना सका। डू और डाई वाला सिचुएशन है यहाँ पे आज। टुडे वी थॉट हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बॉलिंग करें बट ठीक है, वी आर प्लेइंग आवर स्ट्रेंथ राइट नाउ। आज के मैच में आई वुड से अगर हमने 160 कर लिया आई थिंक देन वी विल गिव देम अ टफ चेस। अगर ऐसे ही खेलेगी तो 100 का टारगेट भी सेट नहीं कर पाएगी चंडीगढ़ टीम। क्रिकेट विकेट सब ठीक है, असली स्वैग गॉगल में। हाँ जी असली स्वैग गॉगल में, अच्छे दिखने चाहिए, क्रिकेट तो चलता रहेगा जी। ये बताओ। हाँ बताओ। आज सनी लियोन ही आई नहीं है यार, बड़ा दुख है यार इस बार। लेकिन तुम आए हो। हाँ, तो तुम्हें सेक्स अपील की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने इस बार दूसरा पासा खेला। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल कमी नहीं रहनी। ऐसे करके क्यों बोल रहे? नहीं यार बट आई थिंक बड़ा मिस कर रहे हैं सनी को। हाँ सनी को तो सभी मिस करते हैं। और पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 10 रन्स। बॉलिंग पर आ गए हैं रफी, अब देखना ये है कि क्या ये विकेट लेकर चंडीगढ़ पर प्रेशर बना पाएंगे। शब्बीर मैच कौन जीतने वाला है आज? ये क्या था, चंडीगढ़ को सपोर्ट करने वाला इशारा तो नहीं था ये? शब्बीर भाई मोना एक्टिंग खेलते हो या ये ज्यादा फ्लर्ट करती इसलिए घबरा जाते हो? शब्बीर का कॉन्फिडेंस तो यही कह रहा है कि चेन्नई जीतेगी। और ये शांतनु को बॉल नजर ही नहीं आ रही रफी की। रफी की बॉलिंग आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। उनकी कुछ गर्लफ्रेंड भी उनकी स्ट्रेटजी पकड़ नहीं पाती, वो सोचती है वो यहां जाएंगे और वहां से निकल जाते हैं। वेरी ट्विस्टेड मैन। चंडीगढ़ का फुल पार्टी के मूड में है, खाने पीने का सामान आ रहा है, प्रोटीन बार आ रही है, छक्के चौके लग रहे हैं और चेन्नई स्वागत। डगआउट में देखिए कितनी शांति है, इनके बस का कुछ नहीं है। वैसे करण पटेल है कहाँ है करण पटेल? लेग बाय सूरज। ये मुझे समझ नहीं आ रहा शांतिनु को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, वो बैठ बैठ के आज कह रहा है मैं पूरे डांस पोजेस दिखा दूंगा मुझे जितने आते। टू ओवर्स के बाद चंडीगढ़ कप्स का टोटल स्कोर 23 रन्स किसी भी विकेट के नुकसान पर नहीं। और अब शहीर आ गए हैं बॉलिंग पर, अब देखते हैं चंडीगढ़ क्या इस ओवर में कुछ स्कोर कर पाएगा। आया। वाइड बॉल। बरखा हमारी चंडी 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 का स्टार प्लेयर क्यों नहीं आया? आ रहा है कब आएगा? स्टार एंट्री मारेगा।
मैं कह रही हूँ कहीं मैच हार ना जाए, लक फैक्टर है वो हमारा। ओह नो नो डोंट वरी, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग फॉर यू। ऋत्विक, आप और शालीन बहुत अच्छे फैंस हो ना? शायद हाँ। शायद कंफर्म नहीं है? है वो यहाँ आसपास है तो हाँ। क्या वो शालीन की तरह मतलब बॉलिंग ट्रेनिंग मिली उनको? नहीं नहीं अच्छी करेगा, आप रुकिए जरा। चौबे मैच जीतोगे क्या? यहाँ तक चौके छक्के पड़े जा रहे, विकेट जा नहीं रहे। हमें तो लगा था चेन्नई और दिल्ली के बीच में फाइनल होगा, क्या हो रहा है शोभित? अरे अभी हो तो जाने दो यार, मैं चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ, आई वांट चेन्नई टू विन यार। शोभित बोलो ना एक बार, चंडी 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 चंडी, ओए 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 ओए, ये चंडी देखो क्या तुम्हारा सपोर्टर नया। आलोक हवा में बैट घुमाने से स्कोर नहीं बनेगा। और ये कमाल बॉलिंग। और 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 34 रन्स बिना किसी नुकसान के। और अब एरिका आ रही हैं बॉलिंग करने। बॉलिंग करते हुए पहले 4 ओवर्स में 1 ओवर लड़की को करना जरूरी है। देखो कैसे बैंड बचता है, इनसे ना हो पाएगा। अब जितना ये चड्डी 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 गीली गीली कर रहे थे ना, अभी चैंडगुली की मैंडगुली होगा इनका। रुको अभी आजा आजा। अदिति की बढ़िया फील्डिंग, चंडीगढ़ कप्स की एक बात बतानी पड़ेगी, लड़कियां बड़ी कमाल की है यार। कुछ खाया? हाँ हाँ खाया ना। क्या? काफी रन्स खाए। ये उड़ी की बॉल पर जरा उम्मीद है कि कुछ एक आधी विकेट जाएगी। हाँ, विकेट देखिए बॉलर तो है, बट अभी तो फ्री हिट है, तो लास्ट बॉल पे फ्री हिट कोई फर्क नहीं पड़ता, रन आउट अगर लोग करना चाहे तो। कुछ खा लेना भाई, ठीक है? आप हमेशा बोलते हो कि खेल के कुछ खिला दो, ए कुछ स्नैक्स लाके दो उसको लड़के को। कंप्लीट हो गए 6 ओवर के बाद 29 एक्स्ट्रा रन्स के साथ, टोटल हुआ है 104 रन्स बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी बॉल पर चाहिए 6 रन। पूरा प्रेशर मयंक के ऊपर, क्या आखिरी बॉल पर मयंक 6 मार के ये मैच जिता पाएंगे चेन्नई को? मैच के इस मोड पर क्या चेन्नई अपने पावर हिटर को मिस कर रहा है? ऐसा लगता है कि अगर शब्बीर यहां होते तो चंडीगढ़ को ऐसे कमबैक का मौका मिलता ही नहीं। सुनी चली जाओ ना उधर। चड्डी 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 गिली गिली गिली, चड्डी 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 गिली गिली गिली, चड्डी 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 गिली गिली गिली, ये कह रही है क्या मतलब है इसका? ये खेल नहीं पा रहा, बराबर बॉल नहीं डाल पा रहे, आप चौके छक्के मार रहे इसलिए इनकी पैंट गिली गिली गिली, ऐसा आई गेस ऐसा ही कुछ होगा। टीम जो है अच्छी रखती है अंदर से। पहला BCL है मेरा और इतना प्यार मिला है अपने टीममेट से कि और कहीं जाऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा हाँ, देखिए मुलाकात हुई क्या आपकी पोस्टर गर्ल से? ऑफ कोर्स हुई, हमेशा आती है, हमारी टीम को सपोर्ट करती है। मेहनत तरह की व्यक्तिगत किस तरह है उनका व्यक्तिगत? मैं तो हमेशा ऐसी सवाल पूछ लेता हूँ जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। क्या गलत पूछा मैंने?
आज का ये मैच मुझे भी प्रेशर दे रहा है। आज का ये मैच अगर चंडीगढ़ हार गया तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। ये ओवर में कम से कम 2 विकेट आएंगी। ये जो च्युइंगम चबा रहा है ना, मार इसके बोल्ड सीधा। 7th ओवर के लिए सचिन की पहली बॉल। और अनीता ने अपने क्लासिक फील्डिंग स्टाइल में बॉल रोकी, वो स्ट्रगल करते हुए बॉल के साथ। अबे यार, अनीता को जरा फील्डिंग सिखाया कोई, मतलब छई छप छई छपा के छई कैसे, मतलब फील्डिंग ऐसा कोई फील्डिंग करता है क्या? और हमें एक बार फिर से देखने को मिली अनीता की फील्डिंग। अनीता गिर भी गई पर जी जान से फील्डिंग करती रही। और इसी के साथ कुणाल के 50 रन कंप्लीट। और इसी के साथ ओपनिंग बैट्समैन ने अपने 50 रन बना लिए हैं। लगभग पूरा टोटल कंप्लीट करने के नज़दीक आ चुकी है टीम, और एक भी विकेट चंडीगढ़ वालों को नहीं मिला है। अरे यूडी ने आउट कर लिया है कुणाल को। बहुत देर के बाद मुझे चंडीगढ़ का कुछ म्यूजिक सुनाई दिया, थोड़ी खुशी की लहर। क्योंकि कुणाल पंत अब चले गए हैं। अगला बैट्समैन कौन आएगा? शब्बीर तो नहीं है क्योंकि वो अभी भी टिक के कोने में बैठे हुए हैं। चेन्नई से अगले बैट्समैन हिमांशु आ गए हैं, द कैप्टन हिमसेल्फ। क्या हिमांशु का शब्बीर को डगआउट में बैठा कर खुद वन डाउन आना एक समझदार डिसीजन होगा? अगर ये गलत फैसला हुआ तो चेन्नई के हाथों से ये मैच भी फिसल सकता है। कम 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 घूमेगा। ओ वाह, कैप्टन अपनी टीम को जिताने का क्या क्या नहीं कर लेता। देखो पूरी लोग अस्तीने ऊपर करते हैं ना, पतलून ऊपर कर ली। पतलून ऊपर कर ली, वो उनकी उनकी स्ट्रेटजी है। कि अगर मैं बैट से नहीं मार सकूं तो लेग से मार, लात से मार दूंगा। और वो बहुत उनके सुंदर टांगे हैं, उनकी सुंदर टांगे, सुंदर टांगे हैं। तुम्हें बड़ी पसंद है? नहीं नहीं, मुझे मुझे पता नहीं था तुम इन चीजों में इंटरेस्टेड हो। हार्ट पे बात नहीं कर रही तुमसे। अब सुंदर टांगे किसको पसंद नहीं है? लड़कों की सुंदर टांगे पसंद है तुमको। चेन्नई स्वैगर्स 7 ओवर के बाद 116 रन पर खेलते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। प्रेशर मैच का बढ़ता जा रहा है, जो टीम हारेगी वो घर जाएगी। 18 बॉल पर 39 रन चाहिए, यानी हर ओवर में 13 रन। अब यूडी आए हैं बॉलिंग पर, उनका ये ओवर डिसाइड कर सकता है कि ये मैच किस तरफ करवट पलटेगा। यूडी जॉइन का बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है, उस पे सारा प्रेशर है। कड़क बॉलिंग यूडी की, लेकिन विकेट हालांकि नहीं मिला है। दोनों ही डगआउट इस वक्त काफी टेंशन में दिख रहे हैं। भले ही रन रेट चेन्नई का ज्यादा अच्छा हो इस वक्त, लेकिन ये मैच जीतने के बाद ही फाइनल्स में पहुंचने का मौका मिल सकता है। पूरी चेन्नई की डगआउट खड़ी हो गई ऑलमोस्ट। चंडीगढ़ के भी सारे शक्लों पे टेंशन दिख रही है, क्योंकि अब ज्यादा बड़ा स्कोर डिफेंड करने को कोई बाकी बचा नहीं है। कम 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 कम। 1 रन मिलता है चेन्नई को। इसी के साथ साथ मयंक गांधी अब स्ट्राइक पर आ गए हैं।
इस 17 पे हैं लोग, वन विकेट डाउन। इट्स सीरियस बॉस, ये मैच कहीं भी जा सकता है। लास्ट बॉल यूडी के इस ओवर की। चंडीगढ़ का डकआउट कह रहा है विकेट आएगा। क्या शानदार ओवर में यूडी एक और विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को? यही अगर शब्बी जैसे पिच हिटर होते तो इस ओवर के बाद स्कोर 118 से कहीं अच्छा होता। फॉर श्योर भाई, दो ओवर बाकी हैं और 36 रन चाहिए, क्या लग रहा है? 36 रन एक ओवर में बनते हैं। लड़की का एक ओवर बाकी है, अभी अदिति डालेगी एक ओवर, और एक अभी वसी डालेगा जिसने चैलेंज ओवर तीन बॉलों में पूरा किया। एक ओवर की गेम है, दो ओवर एक ओवर छोड़ देंगे इन्हें चंडीगढ़ वालों को। ऐश करो जाओ। ऐसा लगता है ये मैच पक्के से जाने वाला आखिरी बॉल तक। टेंशन सबके सर चढ़कर बोल रहा है भाई मैच हो तो ऐसा। और अब आए हैं चंडीगढ़ के एक और स्ट्राइक बॉलर वसीम, मतलब आखिरी ओवर लड़की का होगा। देखते हैं चंडीगढ़ टीम का ये डिसीजन पास होगा या फिर फेल। वसीम की पहली ही बॉल मयंक ऑलमोस्ट आउट होते होते रह गए। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। चार मयंक चक्का चाहिए। कम। और यूडी ने फील्डिंग करके चौका रखा, ये विकेट नहीं हो पाया मयंक गांधी का। 10 बॉल बचे हैं, जीतने के लिए अभी भी 36 रन चाहिए। कम ऑन चेन्नई। और ये सीलिंग से लग के बॉल नीचे आ गई। इसको किस्मत का फैसला कहते हैं, जो मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों चेन्नई की टीम के पास नहीं है। आपके दिमाग में कंफर्म है कि मैच चेन्नई जीत रही है? सी अभी तो जो चल रहा है, मैं अभी भी फिंगर्स क्रॉस रखूंगी और पॉजिटिव सोच के चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट बी पॉजिटिव, हम ही जीतेंगे। 12 बॉलों में 36 रन चाहिए थे, मतलब एक निकाला है इन्होंने, 35 चाहिए अभी भी, मतलब मुश्किल है। वसीम की बॉलिंग माननी पड़ेगी, कमाल की बॉलिंग कर रहा है। सिक्स और ये एक छक्का। फाइनली चेन्नई की टीम थोड़ी संभलते हुए, यानी कि अब चेन्नई की टीम को चाहिए 30 रन सिर्फ 9 बॉल पर। मच नीडेड 6 जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन अगर एक और लग जाए तो स्थिति काफी कंट्रोल में आ जाएगी चेन्नई के। अभी भी बाकी है बात, फेवर इनका चल रहा है चंडीगढ़ का। आखिर सपोर्ट भी तो हम इसी टीम को कर रहे हैं, चाहते हैं हम यही टीम जीते। ये वसीम की बॉलिंग का कोई प्रेशर नहीं? नहीं। अरे भाई नाम रखने से वसीम वसीम अकरम थोड़ी हो जाएगा यार। और ये एक और छक्का। आखिरी ओवर में चाहिए 19 रन, 136 रन पे खेल रही एक विकेट के नुकसान पर। Obviously लास्ट ओवर है, तो इनकी जो बेस्ट लड़की है आदिति वो बॉलिंग करेगी अब। मतलब हल्के मत लेना बॉस, चेन्नई चंडीगढ़ की बंदियां हैं वो। 7 से 10 ओवर के बीच में भी एक लड़की का ओवर होना अनिवार्य है। गुड गेम ऑफ क्रिकेट, मतलब सेमीफाइनल ऐसी होता है, ऐसे होने चाहिए, ये नेल बाइटिंग। चंडीगढ़ की टीम की जीत हार का फैसला करेगी एक लड़की। अब बारी है वुमन पावर की ये साबित करने की वो भी ये क्रिकेट मैच का रुख बदल सकती हैं। दिस इज इट, दिस इज इट ब्रो। आजा 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 आजा। और आदिति की कड़क बॉलिंग के बावजूद एक रन मिलता है। मयंक के ऊपर देख के भगवान जी को याद कर ले कि